हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर एकेडमी। कैसे हैं सब बच्चे? सो आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग द वेदर दीज डेज एंड यू आर डूइंग गुड। रिविजन आपकी मस्त चल रही है ना, प्रैक्टिस भी चल रही है, मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो यार आज हम अपने इस नीट 2023 के फ्री क्रैश कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अगले चैप्टर से। एंड द अगला चैप्टर इज नन अदर देन वेरी इजी, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। कि यार अपन लोग चलते कैसे हैं, अपन लोग की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होती है, फिर रिलैक्स किस तरीके से होती है, कितने तरीके की मसल्स हैं। मस्कुलर सिस्टम के बाद बात करेंगे हम स्केलेटल सिस्टम की, यानी कि इस चैप्टर के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मस्कुलर सिस्टम, दूसरा हिस्सा है स्केलेटल सिस्टम। दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग है, ठीक है, दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से हैं। छोटा सा चैप्टर है, इसको फटाफट से निपटाने का करते हैं। दूसरी चीज बेटा, कल शाम की क्लास पता नहीं तुम लोगों ने लगाई है या नहीं लगाई है, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूं, बट मैं बता दूं कल शाम की क्लास में, ओहो ये हमने, मैंने कहां गई, हाँ कल शाम की क्लास में बेटा हमने डिस्कस कर लिए थे जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल। अमेजिंग क्लास थी, जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस हुए हैं मैंने आपको अपने टेलीग्राम पर भी भेज दी है। भैया जिसने नहीं अटेंड की कम से कम उनको देख लेना, 20-25 अलग अलग तरीके के कराए थे, डिफरेंट टाइप्स के हैं, प्लीज गो थ्रू देम। आज की जो क्लास होने वाली है वो पेडिग्री एनालिसिस पे होने वाली है। किस पे होने वाली है? स्पेसिफिकली पेडिग्री एनालिसिस पे, जिसका लिंक मैंने पिन कर दिया है, जिसका लिंक मैंने यहां पर पिन कर दिया है। मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस दिस 21st of March की क्लास 5 बजे आज शाम को। और बेटा एक चीज बता दूं, कल हम इससे भी बढ़िया चीज करने वाले हैं। कल की क्लास जो शाम को 5 बजे वाली होगी वो पता है कौन सी होगी? आपने बड़ा सुन लिया यार, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहा है, प्रैक्टिकल आ रहे हैं, वो पीडीएफ भी देख लिया, उसकी थ्योरी व्यूरी मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि वो कराने लायक है ही नहीं। जो उस पीडीएफ में उसकी थ्योरी हम आज स्केलेटल सिस्टम में कर रहे हैं। अब इस आउट ऑफ एनसीईआरटी का डर खत्म करते हैं। कल शाम को 5 बजे बेटा, कल शाम को 5 बजे इसी की स्पेशल क्लास लगी हुई है ऑलरेडी, लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो कल शाम को 5 बजे बेटा हमने क्वेश्चंस करने हैं, इसके टॉपिक नहीं पढ़ना, टॉपिक मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। मॉर्फो में जो चीजें वो बोल रहे हैं हमारे नोट्स में इंक्लूडेड है, लोकोमोशन में जो चीजें बोल रहे हैं हमारे नोट्स में इंक्लूडेड होंगी। तो यार कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है नहीं, बस तुम्हारा डर खत्म करने के लिए, डर खत्म करने के लिए सारे क्वेश्चन जो पॉसिबल है इस पे वो हम आज कल शाम को 5 बजे कर लेंगे। तो यस, समझ आ गया कि हमने आज क्या करना है और कल क्या करना है। ओके जी, ओके, यस, 5 बजे क्लास का लिंक कहां है? ये पिन किया तो है यार, आप देख नहीं रहे हो चैट बॉक्स में? कांट यू सी? ऐसे मेरे यहां पर, ये मैं लेफ्ट हैंड करती हूं तो ये दिख रहा होगा, है ना, पिंड बाय अनअकैडमी नीट। क्लिक करो यार, एनरोल करो इस पे, नहीं तो बेटा बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिस हो जाएंगी, तुम्हारी फॉर्मूला सारे मिस हो जाएंगे। आज मैंने आपको पेडिग्री की ट्रिक्स करानी है, ट्रिक्स नहीं अटेंड की तो यार कैसे सॉल्व करोगे? वहां पे बस फिर देखते रह जाएंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है या क्या है, ठीक है। कैन यू सी? दिख रहा है? हाँ, ओके ओके ओके, चलो शुरू करते बेटा आज का कोर्स, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आ ही गए हो तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, ताकि दूर दूर तक ये सेशन हर बच्चे के पास पहुंच पाए। इससे पता क्या होता है, YouTube ना इसको फेंकना शुरू करता है, किसके पास? बाकी के लोगों के पास, ताकि जो तुम्हारा कंपटीशन है वो भी इसको देख पाए। असली कंपटीशन तो तभी है ना, असली कंपटीशन तो तभी है। चलिए बात करते हैं बेटा लोकोमोशन की। किसकी बात करते हैं? लोकोमोशन की। मैंने जैसे बताया इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, पहला सिस्टम है, पहला हिस्सा है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, इसमें पहला हिस्सा है मस्कुलर सिस्टम, दूसरा हिस्सा है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा है आपका? स्केलेटल सिस्टम। पीडीएफ दे दी है बेटा, मैंने पीडीएफ दे दी है। कल की एक्सक्रीशन की डीपीपी भी पहुंच चुकी है आप सबके पास, ये देख लो। कल के एक्सक्रीशन के माइक्रो नोट्स भी मैं दे चुकी हूं टेलीग्राम पे। कल के एक्सक्रीशन के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये देखो, जो हमारे हैंड रिटन नोट्स थे ये सब पहुंच चुके हैं। यहां पर आकर पीडीएफ मत मांगे वो लोग जो चेक नहीं करते हैं टेलीग्राम, ठीक है, वहां पर ये तीनों चीजें अवेलेबल हो चुकी हैं। आज की हैंड रिटन नोट्स, आज के माइक्रो नोट्स, आज की डीपीपी, ये तीनों चीजें आपको क्लास के बाद मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पर प्लीज स्पैम मत करें, आपको जो बताया गया उस जगह से जाकर लीजिए। रेगुलर की शेयर हो रही है बेटा, मैं अपने अंदर रख के क्या करूंगी,
हैं, मुझे थोड़ा डॉक्टर बनना, मैं तो चाहती हूँ तुम सब डॉक्टर बनो, तुम सब तक ये सामान पहुंचे। आप ही के लिए मैंने इतनी मेहनत से बनाया, अपने लिए तो बेटा इतना लिखा नहीं है मैंने। आप देखोगे कितना अमेजिंग एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्टेंट है सारा, खुद लिखा है मैंने, खुद लिखा है। तो जब एक टीचर मेहनत कर रहा है वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है यार, मैं क्यों उसको रख के करूंगी, क्या करूंगी रख के। सो आई हैव डन ऑल दिस ओनली फॉर यू। It took a lot of effort. बहुत सारा बेटा लगता है एनसीईआरटी पढ़ना, फिर उसमें एक एक पॉइंट ध्यान से देखना कि कुछ मिस ना हो जाए यार नोट्स में। एट द सेम टाइम बेटा इनको इंटरैक्टिव भी बनाना, कि यार इमेजेस भी तुम्हारे पास रहे। तुम्हें एनसीईआरटी पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं समझ आती है, तुम सारी एनसीईआरटी मेरे से यहां पर रिवाइज कर सकते हो। देखो ये पता है तुम्हारे नोट्स कौन से हैं, ये माइक्रो नोट्स को हल्के मत लेना। ये जो माइक्रो नोट्स है ना बेटा, ये वो नोट्स हैं जो तुम पेपर से 5 दिन पहले, जाने से पहले जब लास्ट रिवीजन होती है ना, लास्ट रिवीजन तुम्हारी बायो की इन्हीं माइक्रो नोट्स से होगी, क्योंकि पूरी की पूरी एनसीईआरटी उतार के रख दी है एक फ्लो चार्ट फॉर्म में, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, एक टैबुलर फॉर्म में। ठीक है, सारी चीजें बेटा आज हमने डिस्कस करनी है इस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ मूवमेंट करेंगे, मसल के बारे में करेंगे, फिर स्केलेटल सिस्टम देखेंगे, फिर अपन जॉइंट्स देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम करेंगे। ये 5 चीजें बेटा इसमें है। तो ये बंदा देख रहे हो कितना खुश हो रहा है, हाँ ऐसे पूरा इसने डांस वांस कर दिए और ये डांस किस वजह से किए, बिकॉज ऑफ हिज मस्कुलर सिस्टम। जस्ट अ सेकेंड ना, शुरुआत से पहले थोड़ा सा एक बच्चे की बात का मैं आंसर देना चाहूंगी। मिस डॉक्टर मोहित मोयल कह रहे हैं, मैम आप भी तो एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप सोचते होगे कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, दे दूंगी तो बाकियों के मार्क्स कैसे अच्छे। मतलब तुम कह रहे हो मैम बड़ी सेल्फिश है, तुम कहना चाह रहे हो कि मैम अगर पेपर दे रही हैं तो मैम हमारे साथ डीपी भी शेयर नहीं करेंगी, पीडीएफ शेयर नहीं करेंगी, सब अपने लिए रख लेंगी। बेटा मैं सिर्फ बायो अटेम्प्ट कर रही हूं, बायो अटेम्प्ट करने से कोई डॉक्टर बना है? कोई नहीं बना। आई एम जस्ट अटेम्प्टिंग टू फील व्हाट इट लाइक्स टू बी अ स्टूडेंट एट दिस टाइम। आपके शू में रखकर मैं वो पेपर देना चाहती हूं ताकि मैं अच्छे से एनालाइज कर पाऊं, टाइमली आपको आंसर की दे पाऊं, एंड बेटा फील कर पाऊं कि एक बच्चे की एंग्जाइटी का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो हो बेटा मैं सेल्फिश होती हूँ, पढ़ाती क्यों, मैं सोचती कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी यार, अगर मैंने इनको पढ़ा दिया तो मेरी नॉलेज तो सब चली जाएगी, ये लोग डॉक्टर बन जाएंगे, मैं रह जाऊंगी। बेटा मुझे बनना भी नहीं है, मुझे बनना भी नहीं, तो तुम टेंशन मत लो। ठीक है, चलो बेटा लोकोमोशन की बात करते हैं और मूवमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दो टर्म्स, लेट मी टॉक अबाउट टू टर्म्स। वन टर्म इज लोकोमोशन, अदर टर्म इज मूवमेंट। आप सबको बड़ा पसंद होता है बेटा स्कूल में पीटी का लेक्चर लगाना, है ना, पीटी का लेक्चर लगाना कितना ज्यादा पसंद होता है। पीटी में आपने देखा यार सर कराते हैं हैंड्स अप, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सब करते हो। तो यार दो टर्म्स है, पहली है मूवमेंट। मूवमेंट होता है किसी भी अंग का मूवमेंट होना, किसी भी पार्ट का। अगर मेरी हैंड ऊपर जा रही है मूवमेंट हो रही है, इधर आ रही है मूवमेंट हो रही है, आगे आ रही है मूवमेंट हो रही है, दिस ऑल इज मूवमेंट। ठीक है, सेकेंड चीज, अगर मैं एक ऐसी टाइप की मूवमेंट कर दूं जिससे मेरी लोकेशन भी चेंज हो जा रही है कि मैं उठ के यहां आ गई, फिर बेटा मैं उठ के यहां चली गई, यानी कि स्पेशल तरीके की मूवमेंट है जिससे मैं अपनी लोकेशन आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव कर सकती हूं। तो यार लोकोमोशन क्या होता है, अगर आप ऐसी मूवमेंट करें जिससे आपकी लोकेशन चेंज हो रही थी, मान लीजिए एक बंदा यहां पर है, इसने ऐसी मूवमेंट करी अपनी लेग्स की मदद से कि यार पहले यहां था अभी यहां हो गया, डिस्प्लेस हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। और सिंपल मूवमेंट जिसमें लोकोमोशन नहीं होती है, ये तो यार पीटी वाले सर कराते थे, हाथ नीचे कर लो, हाथ ऊपर कर लो, लेग्स नीचे कर लो, लेग्स ऊपर कर लो, दिस इज मूवमेंट। तो क्या मैं ये लाइन लिख सकती हूं दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। कैन आई राइट दिस लाइन दैट ऑल लोकोमोशन, जितनी भी हम लोकोमोशन कर रहे हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दे आर एक्चुअली मूवमेंट्स बट All movements are not locomotion. ये movement बेटा locomotion नहीं है, सारी movement locomotion नहीं होती है। ठीक है, क्या ये लाइनें समझ आ गई?
क्या ये लाइन समझ आ गई? अब कितने तरीके की मूवमेंट होती है, टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट. अगर मैं बात करूं सबसे पहले, फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज गोइंग टू बी अमीबॉइड मूवमेंट. देख रहे हो, अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा की तरह मूवमेंट है ना, अमीबॉइड मूवमेंट. किसकी मदद से करता है बेटा ये? अपने ये फॉल्स फुट की मदद से. फॉल्स फुट यानी कि स्यूडोपोडिया की मदद से करता है, स्यूडोपोडिया की मदद से करता है. अब क्या आपकी बॉडी में कोई एक ऐसा सेल है जो कि अमीबा की तरह मूव करता है? यस, कैन यू नेम एनी सेल? बेटा अगर आप चैट में इंटरैक्ट करेंगे तो सिर्फ मेरे से करेंगे, आप बात करेंगे तो सिर्फ मेरे से करेंगे, नहीं तो कल जैसा वो खेल हो जाएगा है ना, कल जैसा खेल हो जाएगा. वो बच्ची शाम तक मुझे आके बोल रही है, मैम बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो तो परेशानी ना हो, क्योंकि बेटा मेरी रीच ना लाखों बच्चों तक है. अगर मैंने तुम्हारा नाम ले दिया तो तुम्हें यहां तो छोड़ेंगे नहीं वो, और स्पेशल क्लास में भी नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, आई होप वो बच्ची समझ गई होगी किसकी बात हो रही है. यस बेटा बता दो, दो तरीके के सेल्स हैं, दो तरीके के सेल्स हैं. दैट इज गोइंग टू बी डब्ल्यूबीसी प्लस मैक्रोफाजेस. डब्ल्यूबीसी प्लस मैक्रोफाजेस जो मूवमेंट शो करते हैं वो कैसी मूवमेंट है? अमीबा की तरह. इसी वजह से डब्ल्यूबीसी कैन इजीली कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल, क्योंकि वो पिचक सकते हैं, अमीबा की तरह पिचक के बाहर आ जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डायापीडिसिस. क्या बोलेंगे? डायापीडिसिस के माध्यम से बाहर आ जाते हैं. नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट आती है, सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट आती है सीलियरी मूवमेंट. सीलियरी मूवमेंट यार आपने कुछ ऑर्गेनिज्म में तो ये मूवमेंट देखी है. किस ऑर्गेनिज्म में देखी है? पैरामीशियम में देखी है. बट क्या ह्यूमन बॉडी में आपने कहीं सीलिया देखे हैं? हां जी बताइए. ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल देखना, ह्यूमन बॉडी में देखना है. ह्यूमन बॉडी में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यार याद करो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहां पे जो ओवा है वो खुद से चल के तो आ नहीं सकता, तो यार फिलोपियन ट्यूब में जो सेल्स हैं, फिलोपियन ट्यूब में जो सेल्स हैं उनके ऊपर सीलिया है छोटे 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 छोटे, ताकि वो ओवा को एम्पुला तक लेकर जा पाए. यानी कि द एग्जाम्पल हेयर इज गोइंग टू बी सीलिएटेड एपिथीलियम ऑफ फिलोपियन ट्यूब, सीलिएटेड एपिथीलियम ऑफ फेलोपियन ट्यूब. और क्या एग्जाम्पल है, और क्या एग्जाम्पल है? ट्राकिया, ट्राकिया वाला एग्जाम्पल याद है? और क्या एग्जाम्पल है बच्चों? ट्राकिया, जो गंदगी तुम नाक में लेके गए है ना, वो लंग्स तक तो भेजनी नहीं है, तो क्या लगता है यहां पर लगा? ट्राकिया, जो सीलिया की मदद से तुम्हारा सारा गंद म्यूकस डर्ट भेज देता है नाक के पास. और फिर यार तुम नाक में यू नो बाय नोज पिकिंग यू कैन टेक इट आउट और इट कैन कम आउट ऑन इट्स ओन, राइट? हाँ, तो यार ये काम है अपने ट्राकिया में प्रेजेंट सीलिएटेड मूवमेंट का, जो कि सारे म्यूकस और डर्ट को ऊपर की तरफ, किसकी तरफ? नाक पे भेजता है. और फिर नाक से इमोजी भी है यार, इमोजी भेज के बता दो मुझे, वो इमोजी भेज के बता दो बच्चों, क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है. इमोजी भेज के बता दो. यस, नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड मूवमेंट. कौन करता है? कौन सी इमोजी है? अरे हाँ, एक इमोजी है मुझे पता है, तुम ढूंढ लो. यस यस यस, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, आप मेरे माइक्रो नोट्स पढ़ सकते हैं बेटा. दीज आर हाईली एनसीईआरटी बेस्ड, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, कोई पॉइंट मिस नहीं है एनसीईआरटी का. यस yes. हाँ बिल्कुल सही है. ये क्या हैंकी लेके नाक साफ कर रहा है? चलो जो भी है मुझे लग रहा है हैंकी लेके नाक साफ कर रहा है. ओके, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट आपकी बॉडी में कौन करता है? स्पर्म करते हैं, उनके पास टेल होती है फ्लैजेला लाइक. देन बेटा चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट कौन सी आती है? मस्कुलर मूवमेंट. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट, जो कि कौन करती है? आपकी मसल्स करती हैं. तो यार अब मसल्स कितने तरीके की हैं, ये हमने एनिमल टिश्यू में भी देखा था, ये हमने एनिमल टिश्यू में भी देखा था कि मसल्स कितनी है. एक बारी बेटा यहां पर थोड़ा सा दोबारा देखेंगे. अगर मैं बात करूं मसल की, ठीक है, मसल की बात करते हैं बेटा. ओरिजिन ऑफ मसल इज मीजोडर्मल, एम फॉर मसल, एम फॉर मीजोडर्मल इन ओरिजिन. मसल के पास टोटल चार प्रॉपर्टीज हैं. अब तक जो मेरे मॉक टेस्ट दे रहे हैं शाम को 5 बजे जो अमेजिंग मॉक टेस्ट होते हैं, तो यार आपको पता होगा मसल के पास टोटल चार प्रॉपर्टीज हैं. कौन सी? एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट हो सकती है यानी कि न्यूरल सिग्नल रिसीव कर सकती है. एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी. इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी. और क्या है? कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी. इसमें से बेटा एक प्रॉपर्टी न्यूरल सिस्टम के पास भी है, बताया था. कौन सी? एक्साइटेबिलिटी, वो भी एक्साइट हो सकते हैं न्यूरॉन. और उसके पास दूसरी प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी. तो उसके पास दो प्रॉपर्टीज हो गई, इसके पास चार प्रॉपर्टीज हो गई. कॉमन प्रॉपर्टी दोनों के बीच में कौन सी है? एक्साइटेबिलिटी. ठीक है, अब तीन तरीके की मसल की थी यार हमने, टाइप्स ऑफ मसल.
इस चैप्टर में हम डिटेल कौन सी करेंगे, स्केलेटल की डिटेल करेंगे। स्केलेटल की डिटेल है, ज्यादा नहीं है, बट मैं फिर भी नाम लिख देती हूँ। पहला हमने किया था बेटा जी स्केलेटल मसल्स। कैसी मसल्स थी? ऐसे सिलेंड्रिकल सेल्स थे, ठीक है, लाइट और डार्क बैंडिंग थी। बच्चों याद है एनिमल टिश्यू आपको सबसे पहला चैप्टर इसीलिए कराया था ताकि आपको याद हो, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसिशियल एपिथीलियम था इसका, ठीक है। हाँ, इस तरीके की वॉलंटरी मूवमेंट करने वाली स्ट्राइटेड मसल्स थी जिनका नाम था स्केलेटल मसल। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये थी फ्यूसीफॉर्म स्पिंडल शेप्ड जिनका नाम है स्मूथ मसल। सिंगल न्यूक्लियस था इनके पास, कोई स्ट्राइशंस नहीं थी, अनस्ट्राइटेड इनवॉलंटरी विसरल मसल थी, अनस्ट्राइटेड इनवॉलंटरी विसरल मसल थी। और तीसरे तरीके की मसल कौन सी थी, ये देखो सिलेंड्रिकल मसल्स जिसमें ऑब्लीक ब्रिजेस बने हुए थे, यानी कि ब्रांचिंग थी, ठीक है, ब्रांचिंग थी, देख के पहचान जाया करो बच्चों। और इसमें क्या थे, इंटरकैलेटेड डिस्क फेंटली स्ट्राइटेड है जिनका नाम है कार्डियक मसल्स। क्या नाम है? कार्डियक मसल्स। तो इस चैप्टर में हमने डिटेल करनी है उन मसल की जिससे हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं, और वो कौन सी मसल्स हैं? वो है बेटा जी आपकी स्केलेटल मसल। तो रेडी टू डू द डिटेल ऑफ स्केलेटल मसल बच्चों, रेडी? चलिए आ जाते हैं स्केलेटल मसल पे, ठीक है, स्केलेटल मसल पे। कैसे फाइबर्स हैं बेटा? स्केलेटल मसल जो है ना वो स्ट्राइटेड है, सबको पता है स्ट्राइटेड है। इसके अंदर क्या दिखाई देगा, मान लो बोन है, बोन से अटैच्ड है, दिस इज द बोन, ठीक है। बोन से आपकी मसल इस तरीके से अटैच्ड होगी, बोन से मसल बेटा इस तरीके से अटैच्ड है। कौन बेटा मसल को बोन से जोड़ता है? कैन यू टेल मी नेम ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइंट्स मसल विद द बोन? हां जी बेटा बताइए, उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताइए जो कि मसल को जोड़ता है किससे, बोन से। आपसे पूछ रही हूं मैं, आपसे पूछ रही हूं, हां जी बताओ तो। आई एम गोइंग टू चेक द कमेंट बॉक्स, नेम द कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइंट्स मसल विद द बोन। एब्सोल्युटली राइट, दैट इज गोइंग टू बी टेंडन्स। कौन है टेंडन? मतलब यहां पे कौन बैठा होगा? टेंडन बैठा होगा जिसने इस हड्डी से इस मसल को जोड़ा। फिर इस मसल का बेटा जब मैंने सेक्शन देखा तो यार इतना बड़ा मसल था, ये क्या था, इतना बड़ा मसल था। मसल के अंदर ये बड़ा वाला क्या है, मसल, लेबल कर लो, ये बड़ा वाला क्या है, मसल, ठीक है। मसल के अंदर आपको ऐसे बंडल्स दिखते हैं, एनिमल टिश्यू में भी बताए थे, जब भी बंडल दिखे नर्वस टिश्यू में दिखे या एनिमल टिश्यू में दिखे, इन बंडल का नाम होता है फैसिक्युलाई। क्या नाम होता है? फैसिक्युलाई। इन फैसिक्युलाई के अंदर होते हैं मसल के सेल, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये व्हाइट कलर के, ये मसल के सेल हैं। इन मसल सेल, लंबे लंबे सेल होते हैं यार, लंबे लंबे मसल के सेल, इसीलिए इन सेल्स को बोला जाता है मसल फाइबर। इन सेल्स को क्या बोला जाता है? मसल फाइबर, ठीक है। तो फाइबर और कुछ नहीं है, फाइबर बेटा सेल ही है, फाइबर क्या है, सेल ही है। इस सेल के अंदर छोटे छोटे होते हैं माइक्रोफाइब्रिल, यस, इस सेल के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल। और ये माइक्रोफाइब्रिल पता है किससे बने होते हैं? माइक्रोफिलामेंट से। किससे बने होते हैं ये माइक्रोफाइब्रिल? माइक्रोफिलामेंट से। और ये माइक्रोफिलामेंट दो तरीके के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है थिक मोटा जो कि थिक प्रोटीन से बना हुआ है, एक होता है थिन पतला जो कि थिन प्रोटीन से बना हुआ है। जो थिक वाला है जिसके माइंड में स्ट्राइक कर जाता है ना पहले से, जिसके माइंड में स्ट्राइक कर चुका है कि थिक क्या है थिन क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ये कमेंट सेक्शन हाय हेलो कैसे हो गुड नाइट गुड मॉर्निंग ये वो इसके लिए नहीं है, ये कमेंट सेक्शन है मेरे से बातचीत करने के लिए और मुझे आंसर देने के लिए। यस, थिक वाला कौन है? मोटू प्रोटीन, मायोसिन, एम फॉर मोटू, एम फॉर मायोसिन। थिन वाला कौन है? बच गया एक्टिन। तो देख रहे हो क्या क्या है, बड़ा मसल, मसल के अंदर फैसिकुलाई, फैसिकुलाई के अंदर सेल, मसल फाइब्रिल, फाइबर, फाइबर के अंदर फाइब्रिल, फाइब्रिल बना हुआ है मायोफिलामेंट से, और वो फिलामेंट आगे प्रोटीन से बने हुए हैं, थिक एंड थिन प्रोटीन से, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके मसल के अंदर की हायरार्की की। अब जरा बात करते हैं प्रॉपर मसल के यू नो प्रॉपर्टीज की। कैसी मसल है हमने देखा था, कैसी मसल है? स्ट्राइटेड मसल है। अगर मैं इसका सेक्शन बनाऊं तो किस तरीके से दिखाई देगा? अगर बेटा इसका सेक्शन बनाएंगे तो यार कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये देख लीजिए, ये लंबे लंबे मसल के सेल
है ना, कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्केलेटल मसल है ना बेटा, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये देखिए लंबे लंबे सेल हैं, इसीलिए इन सेल्स को बोला गया है फाइबर, ठीक है। बीच में इनके डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड, डार्कनेस किस वजह से है, मायोसिन की वजह से, लाइट किस वजह से है, एक्टिन की वजह से, ऐसे लग रहा है मेहंदी लग रही है, आपने देखा होगा, लड़कियां थोड़ी रिलेट कर पाएंगे मुझे हमेशा इसको देख के ना मेहंदी की याद आती है, क्यों, क्योंकि यार जब लड़कियां मेहंदी लगाती है तो एक तो हाथ में कहीं ना कहीं यू नो जो मेहंदी वाला होता है आर्टिस्ट, वो ऐसे डब्बे जरूर बनाता है, डू यू रिमेम्बर, हु कैन रिलेट दिस, जिसमें वो इसमें फिल करेगा, इसमें फिल करेगा, इसमें फिल करेगा, इसमें फिल करेगा, यस, ऑल गर्ल्स जिन्होंने कभी मेहंदी लगवाई है प्रॉबेबली दे कैन रिलेट विद दिस, होता है कि नहीं होता कुछ याद आया, हु कैन रिलेट विद मी ऑन दिस, हु कैन रिलेट, यस, मतलब एक डिजाइन तो पूरे हाथ में, या तो यहां बनाएगा नीचे बनाएगा, एक डिजाइन ऐसा जरूर बनाता है। तो जब भी मैं स्ट्राइशंस बनाती हूँ ना, तो मुझे हमेशा मेहंदी वाले भैया की याद आती है, मुझे ऐसा लगता है मेहंदी वाले भैया ने ना कॉन्सेप्ट जो है ये डब्बे डब्बे वाला, ये मसल से ही लिया हुआ है, ये मेहंदी वाले भैया का कॉन्सेप्ट है है ना, मेहंदी वाले भैया ने कॉन्सेप्ट यहीं से चुराया हुआ है, ये डिजाइन चुरा लिया उन्होंने। चलिए तो यार इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, ठीक है, यस, इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म, ठीक है, बाकी इट इज स्ट्राइटेड, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यार इस मसल के अंदर एक्चुअली देयर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल, एंड दैट फंक्शनल यूनिट जो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, इन थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स के अरेंजमेंट से बनता है, दैट बच्चों इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। तो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर अब हम करने वाले हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, सार्कोमियर, एवरीवन इज विद मी टिल नाउ, सब बच्चे मेरे साथ हैं सार्कोमियर के साथ, चलिए बेटा सार्कोमियर करते हैं। तो सार्कोमियर का जब भी अपने स्ट्रक्चर बनाएंगे तो याद रखना है, मोटू प्रोटीन इज मायोसिन, एम फॉर मोटू, एम फॉर मायोसिन, पतलू इज दूसरा वाला एक्टिन, ये दो मेन है, बाकी और भी आएंगे। तो देख लो यार सेंटर में जो है ना अपना मोटा प्रोटीन बचा है, ये देखो दिस इज द मोटा वन मायोसिन, ठीक है, देन दिस इज ऑल्सो द मोटा वन मायोसिन, ठीक है। अब इसी में अल्टरनेटिंग क्या प्रेजेंट है, पतलू प्रोटीन, पतलू प्रोटीन कौन है अपना, एक्टिन, ये देखो दिस इज एक्टिन, दिस इज एक्टिन, दिस इज एक्टिन, ये देख लो थोड़ा सा इस पे ओवरलैप भी कर लिया, एक्टिन एक्टिन एंड एक्टिन, ठीक है। एक्टिन को पकड़ के रखने वाली एक डंडी है जो उसको होल्ड करके रखती है, इस डंडी को ये देख लो, ये लाइन से लगा रही हूं मैं, एक्टिन को पकड़ के रखती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। तो इधर वाले एक्टिन को पकड़ के रख लेते हैं, रख ले, इस लाइन को भी क्या बोलते हैं, जेड लाइन। अब यार मोटू कह रहा है मुझे भी तो पकड़ के रखो, मैं तो वैसे ही मोटा हूं, इधर उधर ढिलकता रहता हूं, गिरता रहता हूं। तो मोटे को पकड़ के रखने के लिए, मोटे को पकड़ के रखने के लिए हमारे पास एक लाइन है यार, इस लाइन को अपन लोग बोलते हैं एम लाइन। तो जेड लाइन जो है वो एक्टिन फिलामेंट को पकड़ के रखती है, और जेड एम लाइन मायोसिन को पकड़कर रखती है। अब यार ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है, तुम देख रहे हो पहले एक्टिन है, फिर मायोसिन है, फिर एक्टिन है, फिर मायोसिन है, फिर एक्टिन है, फिर नीचे मायोसिन होगा, फिर एक्टिन होगा, फिर नीचे मायोसिन होगा, ऐसे अल्टरनेट अरेंजमेंट चलता रहता है। ड्यू टू दिस अल्टरनेट अरेंजमेंट आपको लगेगा कि यार ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा लाइट दिखाई देगा क्योंकि यहां पतले वाला प्रोटीन है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा क्योंकि यह मोटे वाला प्रोटीन है, और फिर ये वाला हिस्सा फिर से लाइट दिखाई देगा। तो यार इस वजह से आपकी बैंडिंग बन जाती है कि यार लाइट बैंड जहां अकेला एक्टिन है, डार्क बैंड जहां मायोसिन है, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। तो अल्टरनेट बैंड बने कि नहीं बने। नाउ ड्यू टू दिस अरेंजमेंट हमारे पास कुछ जोन्स आ जाते हैं, बैंडिंग आ जाते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहला जहां पर अकेला एक्टिन है, ये देखो यहां पर सिर्फ एक्टिन एक्टिन है, दिख रहा है मैंने डब्बा बनाया, सिर्फ एक्टिन एक्टिन है, इधर भी डब्बा बना रही हूं, ये सिर्फ एक्टिन एक्टिन है। जहां पर ओनली एक्टिन है दैट फॉर्म्स अ यूनिफॉर्म बैंड जिसका नाम है
आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, क्या नाम है बेटा ये डब्बे वाला, पहचानो सब बच्चे, देखो मुझे आंसर देते रहेंगे, पहचानते रहेंगे यहां पर, ये जो डब्बे वाला बैंड है ये कौन सा है, तुम बोलोगे दिस बैंड, जहां पर ओनली एंड ओनली एक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं आई बैंड। यस, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, आई बैंड, आई का मतलब है आइसोट्रोपिक, आइसो क्यों बोला है? क्योंकि यहां पर सिर्फ पतलू प्रोटीन है, मोटू है ही नहीं, मतलब यूनिफॉर्म लेवल है प्रोटीन का, आई बैंड, ठीक है। अब इधर है बीच, बीच वाला देखो, ये लुक एट दिस बैंड, अगर आप इस हिस्से को देखेंगे यहां पर मायोसिन भी है और ओवरलैपिंग एक्टिन भी है, देख रहे हो, यहां पर पतला प्रोटीन भी है और मोटा प्रोटीन भी है, अगर पतलो मोटो दोनों हैं तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाएंगे, ये एन आइसोट्रोपिक बैंड हो जाएगा। कौन सा बैंड हो जाएगा बच्चों, ए बैंड हो जाएगा, कौन सा बैंड हो जाएगा, एन आइसोट्रोपिक। तो मतलब समझ आया, आइसो और एन आइसो, रट्टे नहीं मारने, आइसो मतलब एक ही टाइप का प्रोटीन है, एक्टिन एक्टिन, एन आइसो दो तरीके के प्रोटीन है, क्योंकि यहां पर एक्टिन भी है और ओवर नीचे बीच बीच में मायोसिन भी है, ठीक है, ए बैंड। अब जरा ए बैंड को ध्यान से देखो, सिर्फ इतने बैंड को देखो, ए बैंड अगर तुम ध्यान से देखोगे कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर ओनली मायो है, ये देखो ओनली मायो है, ठीक है, और कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर ओवरलैप है, जहां पर ओवरलैप है, तो जहां पर ओवरलैप है उस हिस्से को बोले ओवरलैपिंग जोन, ओ जोन, ठीक है। तो ये जो छोटा सा हिस्सा ओवरलैपिंग है, ये जो छोटा सा हिस्सा ओवरलैपिंग है, इनका नाम है ओजोन, ठीक है, क्या नाम है, ओजोन। और ये जो बीच का हिस्सा है जहां ओनली एंड ओनली मायो है, इस जोन को बोलते हैं एच जोन, क्या बोलते हैं, एच जोन। यानी कि एक ए बैंड बनाने के लिए, एक ए बैंड बनाने के लिए दो ओजोन है और एक एच जोन है, है ना, दो ओजोन है और एक एच जोन है। तो लेबल कर लेते हैं यार, ये अपना एक्टिन है और ये येलो वाला अपना मायोसिन है, मायोसिन प्रोटीन है, ठीक है जी। चलो अब एक सार्कोमियर कहां से कहां तक होता है, वन सार्कोमियर एक्सटेंड्स फ्रॉम वन जेड लाइन टू नेक्स्ट जेड लाइन। तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये बेटा पूरा हिस्सा एक सार्कोमियर कहलाता है, क्या कहलाता है, वन सार्कोमियर। तो अगर मुझे सार्कोमियर की इक्वेशन लिखनी है, क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है, तो मैं लिखूंगी इट एक्चुअली रीजन फ्रॉम जेड टू जेड, रीजन फ्रॉम जेड लाइन टू जेड लाइन, ये एक सार्कोमियर है। अब एक सार्कोमियर में कितने आई बैंड है और कितने ए बैंड है, ये कितने आई बैंड है और कितने ए बैंड है, सोचो, यस सोचो। ये एक सार्कोमियर तुम्हारे सामने है, इसमें कितना आई है और कितना ए है, यू कैन कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली फ्रॉम हियर, निकाल के रख सकते हो तुम, यस yes, ध्यान दोगे तो एक सार्कोमियर के अंदर ए तो भैया पूरा का पूरा है, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा है। अब आई, आई में अगर बेटा देखा जाए ना, तो ये इधर तक आई जाता है, ठीक है, सेम वे इधर दूर तक आई जाता है, ठीक है, जहां तक हम गिन नहीं पा रहे हैं, ये आई काफी बड़ा है, दूसरे तक जाता है, यानी कि इधर का आई आधा है, आधा आई है, इधर भी आधा आई है और ए एक ए पूरा है, मतलब वन सार्कोमियर इज इक्वल टू टू हाफ आई बैंड, टू हाफ आई बैंड प्लस पूरा का पूरा ए बैंड, लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा वन सार्कोमियर इज इक्वल टू वन फुल आई बैंड प्लस वन फुल ए बैंड, ओके, आधा आधा आई मिलके एक आई हो गया और ए बैंड हो गया, यस। फुल स्केड्यूल दे दीजिए प्रियांशी, बेटा पूरा स्केड्यूल मेरे टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम इज विद माई नेम सीप पाहुजा बायोलॉजी, ठीक है, जाइए नोट्स लीजिए, पूरा स्केड्यूल ये है कि इस क्रैश कोर्स में मैं आपको एक एक चैप्टर इस तरीके से वन शॉट में माइक्रो नोट्स के साथ और डीपीपी के साथ कवर कराने वाली हूं। आप ये सारे पूरा लिंक मेरे लिंक ट्री से ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, लिंक ट्री, लिंक ट्री क्या है, लिंक ट्री मैं तुमको दिखा देती हूं, बाकी बच्चे मुझे बताएं हम कि क्या उनको समझ आ गया, क्या उनको समझ आ गया, ये सार्कोमियर की कहानी, ये कहानी है बेटा सार्कोमियर की, कहाँ गया लिंक ट्री, घूम गया यार, घूमना नहीं चाहिए, आई गेस आई डिलीटेड इट, गूगल पे जाके यार लिंक ट्री सीप पाहुजा डालो, मिल जाएगा, मैं डालूं,
लेट मी जस्ट ऐड, जैसे मैंने डाला गूगल, गूगल जी, तो गूगल खुल गया, गूगल खुल गया। आप यहां पर डालिए लिंक ट्री सी पाउजा, बस ठीक है, डाल दिया लिंक ट्री सी पाउजा, गूगल पे डालना है, डाल दिया। अरे वाह, लुक एट द क्वेश्चंस, लुक एट द क्वेश्चंस विच आर कमिंग। कह रहे हैं इज सी पाउजा गुड टीचर, हाउ डू आई कॉन्टैक्ट सी पाउजा, इज सी पाउजा गुड फॉर बायोलॉजी, क्या सी पाउजा एक अच्छे शिक्षक हैं। हिंदी में भी पूछ रहे हो यार तुम गूगल से, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब तुम ये सब चीजें गूगल से पूछते हो, तभी गूगल यहां दिखा रहा है, ऐसे तो नहीं दिखाएगा। क्या सी पाउजा एक अच्छे शिक्षक हैं, भैया वहां जाके आंसर भी दे दिया करो, अगर जिसको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी समझ आता है, गो गिव आंसर ओवर देयर। अब मैं इसे खोलूंगी नहीं यार, कुछ और गड़बड़ निकला तो, है ना, गड़बड़ निकला तो। चलो सी पाउजा अच्छे शिक्षक है कि नहीं है, चलो इसका आंसर दे देना, अच्छे शिक्षक हैं। तो अब आपको क्लिक करना है सबसे पहले वाले लिंक पे, पहला वाला लिंक कह रहा है सी पाउजा लिंक ट्री, ठीक है, ये आपने इस पे क्लिक किया, दिख रहा है ये आपको यहां पर दिख जाएगा। ये मेरे क्रैश कोर्स है जो ऑनगोइंग चल रहा है, कैन यू सी द ऑनगोइंग क्रैश कोर्स, यस ऑनगोइंग क्रैश कोर्स है। देन सेकंड नंबर पे क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए डिटेल वाले लेक्चर है, फिर 12 स्टूडेंट्स के लिए डिटेल वाले लेक्चर है, फिर ड्रॉपर्स के लिए बेटा पिछले साल वाला जो मैंने क्रैश कोर्स लिया था वो है। तो आपको अभी क्या क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है फ्री क्रैश कोर्स वाले पे जो कि चल रहा है। जब तुम फ्री क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास इस तरीके से खुल जाएगा, देख रहे हो, यस ये सारे सेशंस मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं, ठीक है, और ये वाले सेशंस भी बेटा इसमें ऐड हो जाएंगे, राइट, निश्चय के भी सारे सेशन इसी के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यार लिंक ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट वे जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरी पूरी बायोलॉजी जो कराई हुई है यहां पर है, क्रैश कोर्स में देखना हो पहले लिंक से देख लेना, 11 12 देखना हो तो दूसरे लिंक से देख लेना, बात खत्म करो। पूछना किससे है, गूगल से पूछना है, क्या पूछना है, सी पाउजा लिंक ट्री, बस तुम्हें कहीं एक रुपया देने की जरूरत नहीं है। मेरी डेली लाइव क्लास थ्योरी की भी होती है शाम को 5 बजे, मेरी क्वेश्चंस की भी होती है, और अगर ऑफलाइन मॉक अटेम्प्ट करने हैं तो मैंने खुद ये बुक लिखी है ऑफलाइन मॉक्स की, आप इस बुक को खरीद सकते हैं। सॉरी बुक बार, आई एम सॉरी गाइस, ओ माय गॉड यू सर्च दिस आल्सो, कह रहे हैं दीप पाउजा सैलरी। ये तो जस्ट मैंने अभी देखा यार, ये फ्रीक्वेंटली सर्च दे, ओ गॉड बहुत कुछ सर्च कर रहे हो यार, बहुत कुछ सर्च कर रहे हो, सही नहीं है ये बच्चों, सही बात नहीं है ये, मैं बता रही हूं बेटा, मास्टर लोग हैं, मास्टर लोग कुछ ज्यादा नहीं कमाते हैं। बेटा हम मास्टर लोग हैं, अब मैं क्लास के बाद जाके सच में इस पे क्लिक करूंगी कि लिखा क्या हुआ है, मैंने को भी नहीं पता था यार, आई ऑल्सो डिड नॉट नो कि तुम ये सब सर्च करते हो। तो मैं अब क्लास के बाद छुपके से गूगल करूंगी अपने आप को, आई नेवर गूगल माई सेल्फ, हाँ आई नेवर गूगल माई सेल्फ। यस आई एम सो सॉरी यार, मैं अपना दवाई ले लूं। चलो बेटा, तो ये हो गया अपना सार्कोमियर का स्ट्रक्चर, आगे हम लोग करने वाले हैं थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर, दैट इज मायोसिन एंड एक्टिन। सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। मायोसिन कैसा है, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटू, मोटू यानी कि ये थिक फिलामेंट है, ये क्या है, एक थिक फिलामेंट है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो यार इसके पास दो हिस्से हैं, एक तो टेल रीजन है, ठीक है, और एक हेड रीजन है, इस सांप की तरह बेटा, बिल्कुल सांप की तरह। ये जो आपको टेल हिस्सा दिख रहा है, टेल वाला हिस्सा दिख रहा है, ये किससे बनता है, लाइट मीरोमायोसिन, LMM, लाइट मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन बेटा इसके मोनोमर्स हैं, इसके मोनोमर्स हैं मीरोमायोसिन। और बेटा ये जो आपको हेड वाला हिस्सा दिख रहा है, दिस इज द हेड रीजन, दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम HMM, दिस इज हैवी मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है जी। अब अगर हेड के पास ध्यान से देखोगे, हेड के पास ध्यान से देखोगे तो यार ऐसे क्रॉस आर्म बन रही है,
सांप की तरह से क्रॉस आर्म बन रही है। इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है। इस क्रॉस आर्म के ऊपर दो चीजें प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो यह प्रेजेंट है एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। यस, दिस वन इज एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। और बेटा इसके पास क्या प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। इसी हेड के पास क्या होगा? एक्टिन बाइंडिंग साइट भी होगा, ओके। एक्टिन बाइंडिंग साइट भी होगा, ओके। तो ये बात हो गई आपके मायोसिन की, ये बात हो गई आपकी मायोसिन की। तो यहां पर ध्यान देंगे, दो अपनी हैवी चेन है, ये क्या है? हैवी चेन, ये एक हैवी चेन, ये दूसरी हैवी चेन। बेटा चार लाइट चेन्स भी होती हैं, लेट मी ड्रॉ फोर लाइट चेन्स, वन टू थ्री फोर, सो दीज आर लाइट चेन। तो अगर मैं इसके मॉलिक्यूल के बारे में देखूं तो एक तरीके से बेटा इस मायोसिन के पास टू हैवी चेन है ना, बड़ी वाली चेन इज हैवी चेन और क्या है? फोर लाइट चेन। तो यार एक तरीके से तो ये पॉलीपेप्टाइड ही है, अमीनो एसिड की चेन है, तो इसीलिए इसको बोला क्या जाता है? हेक्सामन बोल सकते हैं। टोटल कितनी चेन्स हो गई? छह हो गई ना, ये दो हैवी वाली चार लाइट वाली, टोटल कितनी हो गई? छह हो गई हेक्सामर। दिस प्रोटीन इज एक्चुअली अ हेक्सामर, कितना है बेटा? छह चेन हो गई, हेक्सामर है ये, राइट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया अपना मायोसिन का। देन अपने चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट, किस पे चलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट। अगर मैं थिन फिलामेंट की बात करूं तो टोटल तीन प्रोटीन्स होते हैं, एक नहीं है बेटा, तीन है इसमें, थ्री प्रोटीन्स। कौन कौन? एक तो तुम्हें पता ही है एक्टिन, दूसरा ट्रोपोनिन, ठीक है, तीसरा ट्रोपोमायोसिन। ये जो तुम्हें एक्टिन दिखाई दे रहा है ये तो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा, तो यार ये दोनों किस में मदद करेंगे? ये दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो अगर तुमसे कोई पूछे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन से हैं, क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन से हैं, क्या लिखेंगे बेटा आप? आप लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स दो होते हैं, कौन से? एक्टिन प्लस मायोसिन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन से होते हैं जो रेगुलेशन में मदद करते हैं? वो होते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। अब तीनों को बना लेते हैं, तीनों को बना लेते हैं। एक्टिन को बनाने के लिए ये गोलंडे से काम आते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर, इनका नाम है ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन। ये जो ग्लोबुलर एक्टिन है ये मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ना पॉलीमराइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? पॉलीमराइज हो जाते हैं और मछली की तरह बन जाते हैं। ये देखो ये मछली बनाने वाली हूं मैं, ठीक है, खाने वाली मछली नहीं बनाऊंगी, ये मछली, ठीक है, ये बन गया पॉलीमर। पॉलीमर धागेदार दिखाई दे रहा है, धागेदार के लिए नाम यूज होता है फाइब्रस, तो ये एक्टिन फाइब्रस एक्टिन हो गया, यानी कि एफ एक्टिन है। ये क्या है? एफ एक्टिन। ये क्या था? जी, जी फॉर ग्लोबुलर, एफ फॉर फाइब्रस। क्या है ये? फाइब्रस, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, गाने गाओ। ये जो अर्णव सिंह है कह रहे हैं मेरा दिल ये पुकारे आजा। बेटा ऐसे पता कौन बुलाता है? जब पेपर हो जाएगा ना, पेपर हो जाएगा तो ये गाना कौन गाएगा? दिस सॉन्ग विल बी संग बाय ड्रॉपर बैच 2024। जो बच्चे यहां नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है, 8 मई को देखो बैच तो लॉन्च होना ही होना है, ये तो पक्का ही है, मैं खुद लॉन्च करूंगी। तो जब मैं ड्रॉपर बैच लॉन्च करूंगी ना, तब मैं यही गाना लगा के लॉन्च करूंगी कि मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो फिर बेटा सब बच्चे वहां जाएंगे, आजा। अभी तो बेटा एमबीबीएस पुकार रही है मेरा दिल ये पुकारे आजा, लेकिन 8 मई को अगर 600 से कम नंबर आए तो ड्रॉपर बैच पुकारेगा आजा आजा, फिर रोते रोते भी जाएंगे। अभी तो हंसते हंसते जाओगे एमबीबीएस में, तब रोने निकलेंगे, मनाओगे मां बाप को प्लीज मुझे ड्रॉपर बनने दो। इस सिचुएशन में आओ ही मत ना, इस सिचुएशन में आओ ही मत। अभी रीलें देखते रहेंगे, रीलों पे रीलें देखो तुम, और उसके बाद बेटा फिर तुम ड्रॉपरों में घुस जाते हो, फिर रोने लग जाते हो। इंस्टाग्राम कितने बच्चों के पास एक्टिव है मुझे जरा बताएं, पोल में बताएं कितने बच्चे इंस्टाग्राम यूज करते हैं जिनके पास अभी इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव है, वो यस क्लिक करें बाकी नो क्लिक करें, जरा मैं देखूं कितने रीलों के फैन है।
सच बताना, सच बताना, झूठ नहीं, मेरे से झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे से झूठ नहीं बोलना बेटा। मैं कोई पेरेंट नहीं हूं, मैं मारूंगी नहीं, तुम्हारे फोन से डिलीट नहीं करूंगी, मुझसे सच बोलिए बस। क्या आंसर आ रहा है? 66% कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, और 35% कह रहे हैं हमारे पास है। बेटा ये जो 35% है ना, बहुत होता है। 18 लाख का 35% देख रहे हो, 20 लाख का मान लीजिए 35% इज ह्यूज, ह्यूज। अराउंड 6 लाख बच्चे हो गए, 6 लाख बच्चे तो ऐसे ही निकल गए, क्योंकि उन्होंने तो ड्रॉपर बैच, उनको अभी से गाना गा रहा है, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो यार आप चले जाएंगे, आप मुझे दोबारा देखेंगे अगले साल, ठीक है। ये जो 60% बच्चे हैं ना, बस वही सीरियस है। अगर अभी भी सीरियस होना चाहते हो, ये इंस्टाग्राम नामक चीज को 2 महीने के लिए, बस 2 भी नहीं है यार, कितने दिन बचे हैं, आज क्या तारीख है, 21 एक महीना, और 1 महीना प्लस 15 डेज अप्रोक्सीमेटली, 45 डेज, जस्ट 45 डेज बेटा, 45 डेज आपको अपने फोन से इसको डिलीट करना है। 8 मई को डाउनलोड कर लेना बिल्कुल, इंस्टाग्राम के साथ उसकी बहन भाई जो भी एप्स हैं, स्नैपचैट हो गया, जो हो गया, वो सब कर लेना। लेकिन अभी अगर दृढ़ निश्चय अंदर से नहीं लिया ना उसको डिलीट करने का, बाहर नहीं आए उससे, तो बात नहीं बनेगी। इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा। नाउ यू डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। पहले तो मैं बोलती थी यार बीच में ब्रेक ले लो, अब मैं बोलूंगी ब्रेक का कहां है समय। 45 डेज लग के 10-10, 12-12 घंटे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 1 लाख में सिलेक्शन होगा। 18 लाख वर्सेस 1 लाख, ह्यूज, ठीक है। तो जो है ना 35%, वो 35% भी डिलीट करें, इस इंस्टाग्राम नामक चीज को आज ही डिलीट करें, ठीक है। यस, और यूट्यूब भी परेशान करता है, यूट्यूब कितनों को परेशान करता है बताओ। अरे यूट्यूब इंस्टाग्राम से ऊपर हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स से। यूट्यूब हैज वेरी यू नो स्मार्ट स्ट्रैटेजी, उसने क्या किया, इंस्टाग्राम पे अगर रील्स चल रही है तो मैं यहां शॉर्ट्स चलाता हूं। कौन कौन बच्चा यूट्यूब शॉर्ट्स से एडिक्टेड है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एडिक्टेड, सच बताओ, सच। इसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगी बेटा, सोल्यूशन पे बात करेंगे। प्रॉब्लम है ये, हम सबको पता है, और एडिक्शन से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। जिस चीज को करने में 4 साल लग गए, उस चीज को मिटाने में 40 दिन में कैसे कर लें, है ना। आई विल टेल यू द सोल्यूशन। 60% बच्चे कह रहे हैं उनको YouTube शॉर्ट्स भी, जो यू नो मोटिवेशनल आता है, या जो दीदी भैया अभी एम्स वेम्स में हैं, वो लोग अपने लिए तो बना रहे हैं यार, ठीक है, दे आर राइट एट देयर पार्ट। हमारा डे इन लाइफ ऐसा था, मेरा हॉस्टल टूर देख लो, मेरी मेस देख लो, मैं रूम को नया सजा रही हूं वो देख लो, या पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरीके के। हाँ एक तो मतलब हद बच गई, आज मैंने बेटा एक ऐसा व्लॉग देखा अब मुझे नाम नहीं याद है उस बच्ची का, शी वॉज ए नीट एस्पिरेंट, उसने इस साल नीट देना है, एंड शी मेड अ व्लॉग कि दिस वॉज माई वर्स्ट स्कोर इन AITS AIMT टाइप्स, ठीक है। भैया तुम सारा टाइम बींग एन एस्पिरेंट व्लॉगिंग में लगाओगे, समय लगता है यार, देखना आसान है कि चाय बन रही है, फिर बेटा किताब खुल रही है, फिर वो पढ़ाई कर रहा है टाइम लैप्स में। बेटा उसको बबनाने में उस बच्ची के कम दिन के 3-4 घंटे जाते हैं, शूट करना, एंगल सेट करना, एडिटिंग करना। आई बिलोंग टू दिस फील्ड सो आई नो, ठीक है। भैया तुम्हारा ऐसा ही AIMT का स्कोर आएगा अगर आप आधा समय इस ब्लॉगिंग में लगाओगे, चैनल देखने में लगाओगे, ये सब्सक्राइबर देखने में लगाओगे, ठीक है। तो वो तो हद मच गई यार, एस्पिरेंट होके तुम अपना चैनल बना रहे हो और फिर कह रहे हो कि मेरा बड़ा गंदा स्कोर आया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में। बेटा गंदा नहीं, फेल होने वाला स्कोर आने वाला है कुछ समय, वो बच्ची थी, कोई लड़की थी, एंड आई वॉज फीलिंग पिटी फॉर हर। Yes. तो YouTube का मैं तुम्हें सोल्यूशन बता रही थी। सोल्यूशन पता क्या है YouTube का? YouTube का सोल्यूशन ये है कि आप लोग जिनको शॉर्ट से बहुत प्रॉब्लम है, वो बच्चे YouTube का एक नया अकाउंट बनाएं। जैसे आप हर ईमेल आईडी से YouTube लिंक कर सकते हो, आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी छोड़ के जो भी कोई और ईमेल आईडी है उससे नया YouTube बनाएं, और सिर्फ एजुकेशनल 4-5 चैनल्स को फॉलो करो, क्योंकि यार तुम अभी करंट अकाउंट से अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते, तुम्हें पता भी नहीं है कि यार तुम्हें कितनों को सब्सक्राइब कर रखे, यू डोंट नो, यूट्यूब दिखाता भी नहीं है कि तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर। नहीं, नए अकाउंट से जो 3-4 चैनल है, टीचर का चैनल हो गया, जहां पढ़ रहे हो, अनअकैडमी हो गया, किसी भी और चैनल से पढ़ते हो, बस उनको आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उन्हीं की ही नोटिफिकेशन आए। नहीं तो यूट्यूब इज वेरी स्मार्ट, तुम एक को अनसब्सक्राइब करोगे दूसरे को लेके आएगा, ओके।
इंस्टाग्राम डिलीट, यूट्यूब से परेशानी होती है, नया अकाउंट और सिर्फ कुछ चार पांच लोगों को ही फॉलो, और घोड़े की तरह यहां पर ब्लाइंडर्स लगा के सीधे चलते जाना। वो देखे ना शादी वाली घोड़ी, घोड़ा नहीं होता, घोड़ी होती है जिसपे दूल्हा बैठ के जाता है। तो शादी वाली घोड़ी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो भी उस पर डेकोरेशन होती है, उसमें वन ऑफ द डेकोरेटिव आइटम इज दिस ब्लाइंडर्स। मैं तुम्हें दिखाती हूं शादी वाली घोड़ी का है। ओ गॉड, एंड पता है, मैं अभी जो फोटो दिखाऊंगी ना, पता है मुझे कहां से मिली है? लेट मी शो यू, वो फोटो मुझे मिली है रेंट पे ले लो डॉट कॉम से। कह रहे हैं शादी वाली घोड़ी रेंट पे होती है, खैर खरीदता तो कोई नहीं। यस, हैव यू सीन दिस शादी वाली घोड़ी? ये देखो, ये जो शादी वाली घोड़ी है, इस शादी वाली घोड़ी को इतना डेकोरेट किया जाता है यार, क्योंकि शादी पे दूल्हे ने बैठना है, फोटो वोटो आनी है, लाइट्स में अच्छा दिखना चाहिए। अब इस शादी वाली घोड़ी की आप देख रहे हो यहां पर ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं, कैन यू सी, ये इसके आईज हैं और इसके आईज पे भी इन्होंने कुछ बांध दिया। दीज आर द ब्लाइंडर्स। ब्लाइंडर्स किस लिए? ताकि ये सिर्फ और सिर्फ आगे देखती रहे, ये साइड पे देख ही ना पाए। अगर ये साइडों पे देखे, दिस इज द लॉजिक, आप उस भैया से पूछ लेना जो घोड़ी का यू नो टेक केयर करते हैं। दिस इज अ लॉजिक, अगर ये इधर उधर देखेगी तो इट कैन गो दिस वे और ये पूरे बारातियों को परेशान कर सकती है, ठीक है, इधर उधर जा सकती है। वो चाहते हैं कि ये सीधा सीधा चलती जाए जहां उसके भैया बताते जाए। दैट इज वाई दीज आर द ब्लाइंडर्स विच आर अटैच टू दिस एनिमल। ओके, यस, हाँ, कह रहे गधा है घोड़ी नहीं, जो भी है, जो भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर किसी लक्ष्य को अचीव करना है, भैया इसका लक्ष्य शादी कराना, दूल्हे को मंडप तक पहुंचाना, अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें भी ब्लाइंडर्स लगा के चलना पड़ेगा। बिना ब्लाइंडर्स के तुम इधर उधर देखने के लिए बहुत है यार, मन नहीं भी कर रहा तो भी इधर देखोगे तुम, है ना। इंस्टाग्राम खोला, तुम्हारे सजेशंस में आ रहा है, तुम्हें देखना पड़ेगा यार, ऐसे ऐसे म्यूजिक आ गए हैं आजकल दैट द म्यूजिक प्लेज विद आवर हेड, और एक रील, दूसरी, तीसरी, चौथी, पता भी नहीं चलेगा, है ना। KGF का म्यूजिक लगा लगा के तुमको पीछे से ऐसा रोया, ऐसे ऐसे म्यूजिक लगा के बेटा हमारा टाइम को वेस्ट किया जाता है। ये साइकोलॉजी है, एवरीवन इज प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसीलिए ब्लाइंडर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इधर उधर देखने की गलती हम कर नहीं सकते हैं। ओके, तो मुझे पता है यार क्या क्या खेल खेला जाता है, तो इसीलिए तुम्हारे भले के लिए बता रही हूं। ओके, ये कौन बच्चा अभी DPP पे अटका हुआ है, एक मिनट देखने दो। सपना बेटा, अदर चैप्टर का 500 का क्वेश्चन DPP सेंड किया है, तो फिर उसका 100 का क्यों करें, ठीक है, वो आप वहीं से आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, यस, मूविंग बैक टू आर टॉपिक। हाँ जी, हम क्या बना रहे थे, थिन फिलामेंट बना रहे थे। ये एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन के ऊपर ये जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है, दिस इज ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। बेटा शादी के माहौल में मत चले जाना कि शादी वाली घोड़ी बना दी, अब मैम दूल्हा भी बिठा दो, दुल्हन भी ले आओ, ठीक है, और शादी का भोज भी खिला दो हमें। और यहां पर बेटा एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, इसको डिफरेंट कलर से बनाते हैं, एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन, ठीक है। क्या नाम है उसका? ट्रोपोनिन। मैंने इसको अभी क्या बोला, मैंने बोला ये एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है, जरा ध्यान दीजिए, इसके तीन कॉम्पोनेंट है। पहला कॉम्पोनेंट वो है जो इसको ट्रोपोमायोसिन से जोड़ता है, जिसका नाम है TPT, टी फॉर ट्रोपोमायोसिन से जोड़ने वाला। दूसरा कॉम्पोनेंट वो है बेटा जो कैल्शियम से जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज TPC, क्या बोलोगे इसको? TPC। तीसरा कॉम्पोनेंट वो है बेटा जो इनहिबिट करता है इसको, दैट इज TPI, इनहिबिटर,
राइट, थ्री कॉम्पोनेंट्स हो गए इसके, टीपीसी जो कैल्शियम से जुड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दूसरा इसको ट्रोपोमाइसिन से जोड़ने वाला ट्रीपीटी, और बेटा इनहिबिटर की तरह काम करने वाला टीपीआई। तो ये बात हो गई थिक फिलामेंट की। बेटा why it just switched off, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार। बेटा iPad रिचार्ज हो रहा है, what can you see, पता नहीं यार इसको क्या हो गया, अपने आप ही रिस्टार्ट होने लग गया। एक सेकंड रुक जाइए, मुझे लग रहा है उस घोड़ी ने कुछ आतंक फैला दिया यहां पर। यस, हाँ अब ठीक है, जस्ट अ सेकंड ना। एक मिनट रुकिए, यस नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन, है ना। चलिए, तो थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट हो गया, अब शुरू करते हैं द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या शुरू करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कर ले। देखिए मैंने आपको बताया कि मसल के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एक्साइटेबिलिटी, यानी कि ऊपर से आया हुआ न्यूरॉन जो कि मैसेज लेकर आ रहा है वो इसको एक्साइट कर सकता है। तो मसल सेल यार एक बना लेते हैं, दिस इज द मसल सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी। बेटा इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो अंदर को फोल्डेड है, ऐसे टी शेप स्ट्रक्चर बना रही है। कैन यू सी दिस टी शेप स्ट्रक्चर, यस दिस टी शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टिब्यूल। क्या बोला जाता है इसको, टी टिब्यूल, क्या बोला जाता है, टी, देखो टी बन रहा है, ये टी बन गया, ये क्या बन गया, टी बन गया, दिस इज कॉल्ड एज टी टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको, टी टिब्यूल। अब ऊपर से कौन आ रहा है, ऊपर से आ रहा है बेटा न्यूरॉन, ये आ रहा है न्यूरॉन, न्यूरॉन बेटा मैसेज लेकर आया, ठीक है मैसेज लेकर आया। आप जानते हैं मैसेज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर मसल के लिए रिलीज होता है इसका नाम है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन। इस एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स, यस इस एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे इस मसल की मेम्ब्रेन पर, ये रिसेप्टर्स हैं। ये एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से जाके जुड़ेगा, क्या होगा, एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से जाके जुड़ेगा, जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जुड़ेगा मेम्ब्रेन की क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन होते ही बहुत सारे सोडियम आयन बेटा अंदर घुसेंगे। डीपोलराइजेशन होते ही सोडियम आयन, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल विल ओपन एंड बहुत सारे सोडियम आयन अंदर घुसेंगे, अंदर बेटा यहां से भी आएंगे, यहां से भी आएंगे, यहां से भी आएंगे, यहां से भी आएंगे। अब इनके नजदीक क्या प्रेजेंट है, इनके नजदीक प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SR क्या है, SR बेटा यहां लिख रही हूं, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या काम है इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन में, बेटा ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, इसमें बहुत सारा कैल्शियम मौजूद है। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी टी टिब्यूल में भी, तो ये मैसेज किस तक पहुंचेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बहुत सारे कैल्शियम आयन निकालेंगे यहां से। ये सारे कैल्शियम आयन पता है किससे जाके जुड़ जाएंगे, ये सारे कैल्शियम आयन जुड़ जाएंगे टीपीसी से जाकर। जब बेटा ये सारे कैल्शियम आयन टीपीसी से जाकर जुड़ जाएंगे तो यार ये जो अपना टीपीसी है इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, ये टीपीसी है इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। जैसे ही टीपीसी के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा ट्रोपोमाइसिन के अंदर भी आएगा, ट्रोपोमाइसिन भी अपनी जगह से हिलेगा, और जैसे ही बेटा ये अपनी जगह से हिलेंगे एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगी। देखो अब तक तो एक्टिन ढका हुआ था, पूरा ढका हुआ था, इसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही कैल्शियम आया तो टीपीसी से जुड़ा, टीपीसी से जुड़ने से इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया, वो चेंज ट्रोपोमायोसिन में भी आया, और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटेगा, अगर वो अपनी जगह से हटेगा तो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन विल अनमास्क, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू लीड टू अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिन के पास जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो ओपन हो जाएगी, तो मतलब एक्टिन जो है वो तैयार हो गया है मायोसिन से जुड़ने के लिए। बट क्या मायोसिन तैयार है एक्टिन से जुड़ने के लिए, तो मायोसिन की बात कर लेते हैं, ठीक है मायोसिन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये मायोसिन है, ये क्या है मायोसिन, ये देखिए ये अपना मायोसिन है, मैं येलो कलर से ही बना रही हूं,
आप जानते हैं मायोसिन के ऐसे क्रॉस आर्म निकलती है, हेड निकलता है उसका। तो मान लो ये हेड है, ठीक है, ये हेड है। इस एक हेड को मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। इस हेड में मायोसिन के कौन बैठा था, एटीपी बैठे थे, एटीपी बाइंडिंग साइट थी ना। ये देखो दिखाऊं, ये रहा काम बनाया था, ये देखो इसके हेड में कौन बैठा था, एटीपी बाइंडिंग साइट। कैन यू सी एटीपी बाइंडिंग साइट। तो यार अब इस हेड में जब तक मायोसिन के एटीपी बैठा है तब बेटा इसकी एफिनिटी एक्टिन के लिए बहुत लो है। यानी कि मैं यहां पर लिख सकती हूं एट दिस टाइम द एफिनिटी, इसका प्यार जो है, एफिनिटी ऑफ मायोसिन टुवर्ड्स एक्टिन इज लो। बेटा ये पता कैसा है, ये जो एटीपी है एक तरीके से बड़े भाई जैसा है कि जब तक इस कमरे में बड़ा भाई है लड़की का तब तक जो एफिनिटी है दोनों की वो बहुत कम है कि नहीं। या पापा जैसा ले लो, है ना, पापा भी नहीं मिलने देंगे, बड़ा भाई भी नहीं मिलने देगा। तो वैसा ही है एटीपी, ये एटीपी बड़े भाई जैसा है कि भैया बैठ ही गया, जम के बैठ गया, उठ ही नहीं रहा, ठीक है। तो तब तक इसकी एफिनिटी एक्टिन के लिए बहुत लो है। तो बड़े भैया को उठा के फेंकना पड़ेगा, भैया बड़े भैया जाइए बाहर समोसा खाइए, चाट खाइए, कुछ तो खाइए, कॉफी लगी हुई है कुछ खाइए। तो इसको खाने के लिए इस एटीपी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हो क्या रहा है, अभी हो क्या रहा है, ये अपना एक्टिन है, ये अपना एक्टिन है, ठीक है। अभी ये दूर दूर है, अभी क्या है बेटा, ये दूर दूर है, दूर दूर दिख रहे हैं, कितने दूर बैठे हैं, इनमें इतना गैप है। ये गैप क्यों है, क्योंकि बड़े भैया बैठे हैं मायोसिन के हेड पे चढ़ के। अब इस बड़े भैया को यहां से हटाओ, हटाने का मतलब है अब इस एक्टिन मायोसिन में जो एटीपी है इसको तोड़ दिया जाए। मायोसिन है, इसके अंदर एटीपी जो है इसको तोड़ा जाए। तोड़ने का मतलब है अब एटीपी तोड़ के हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया एडीपी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे ही बड़े भैया निकले, जैसे ही बेटा बड़े भैया निकले, तो जो एक्टिन था वो तो पहले से ही खुला था, एक्टिन की तो अनमास्किंग हो चुकी थी, मायोसिन की एफिनिटी बढ़ गई। वो डर रहा था एटीपी को देख के, एटीपी नामक बड़े भैया निकले तो ये चिपक गया किसके साथ, एक्टिन के साथ। ये देख लो ज्वाइनिंग हो गई दोनों की। जब बेटा ज्वाइनिंग हो गई, इसको हम बोलते हैं दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ये क्या बन चुका है, क्रॉस ब्रिज बन चुका है, ठीक है, क्रॉस ब्रिज बन चुका है, ठीक है। क्योंकि बड़े भैया नामक एटीपी निकल चुके हैं, अब एक्टिन और मायोसिन का मिलन हो चुका है। मिलन के बाद ये जो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसको बाहर फेंकेंगे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसको बाहर फेंकेंगे। जैसे ही बेटा ये बाहर जाएगा, ध्यान देना, ध्यान देना मैं क्या बना रही हूं, बड़ा अमेजिंग डायग्राम बना रही हूं। ये मायोसिन, ये अपना यहां पर इसका हेड, ठीक है। इस हेड में से फटाफट से कौन बाहर गया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर गए, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर गए। इसके साथ अभी भी कौन जुड़ा हुआ था, इसके साथ अभी भी एक्टिन जुड़ा हुआ था, ठीक है। जैसे ही बेटा बाहर गए ना, इसके हिंज में आता है थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा हिंज में चेंज आया, जिसकी वजह से बेटा इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा इसका हेड मूव करके ना इधर आ जाता है, हेड मूव करके थोड़ा सा इधर आ जाता है। अगर हेड मूव करके इधर आएगा तो यार इससे जुड़ा हुआ एक्टिन भी तो इधर जाएगा, क्योंकि एक्टिन ने कसम खाई है, फेरे लिए है इसके साथ कि यार जन्म जन्म तक मैं तेरे साथ रहूंगी। तो यार जैसे ही इसका हेड इधर आया, क्योंकि इसमें से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, वैसे ही बेटा एक्टिन भी जो है वो यहां से यहां मूव कर गया, करा ना एक्टिन भी, क्योंकि एक्टिन तो हेड से चिपका हुआ था। दिस मूवमेंट ऑफ एक्टिन इट इज कॉल्ड एज द पावर स्ट्रोक। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं, पावर स्ट्रोक बोलते हैं। अगर एक्टिन स्लाइड कर गया, अगर बेटा एक्टिन स्लाइड कर गया, इस डायग्राम में देखोगे तो ये वाला एक्टिन है जो स्लाइड कर रहा है, दिस इज द एक्टिन विच इज एक्चुअली स्लाइडिंग, ये एक्टिन स्लाइड कर रहा है। क्या मायोसिन अपनी जगह से हिला, नहीं हिला, सिर्फ एक्टिन अपनी जगह से हिला। एक्टिन अपनी जगह से हिला बेटा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, सार्कोमियर छोटा होता जा रहा है, सार्कोमियर छोटा होता जा रहा है। अब क्या हुआ, अब यार बड़े भैया कॉफी पीने गए थे, कॉफी पीने गए पीछे से, तो यार ये मामला हो गया है ना, पावर स्ट्रोक हो गया। बड़े भैया वापस आए, बड़े भैया अब आ चुके हैं वापस, ठीक है। बड़े भैया वापस आकर यहां बैठ गए फिर से, क्योंकि उन्होंने देखा कि भैया एक्टिन तो गड़बड़ कर रहा है पीछे से। जैसे ही बड़े भैया आकर बैठे, एक्टिन और मायोसिन फिर से अलग हो गए, फिर से अलग हो गए, ठीक है। तो जब तक एटीपी है तब ये अलग हैं,
एटीपी टूटा तो जुड़ गए, जब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर गया तो यार ये भी इधर मूव कर गया, है ना, चेंज आया इसमें, पावर स्ट्रोक आया, इतने में ही कॉन्ट्रैक्शन हो गई और फिर फटाफट से बड़े भैया को पता चला अरे गड़बड़ हो गई, तो वापस जाके बैठ जाते हैं अपनी सीट पे, एक्टिन और मायोसिन फिर से अलग, फिर से अलग। ये जो पूरी थ्योरी है जिसमें एक्टिन यानी कि थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या ये समझ आई बच्चों? जरा बताना चैट सेक्शन में, फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो, सेशन को लाइक करके बता दो क्या ये चीज समझ आई। दिस इज कॉल्ड ए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वेयर थिन फिलामेंट इज स्लाइडिंग ओवर द थिक फिलामेंट गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले। बड़े भैया वाली थ्योरी है बेटा ये, गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले, जिसमें क्रॉस ब्रिज बनता है उसके बाद पावर स्ट्रोक होता है। ये मैं आपको, अरे रुको, हाँ ये मैं आपको बेटा यहां से भी दिखा देती हूँ कैसे बनी हुई है आपकी एनसीईआरटी में। लेट मी जस्ट शो, रुको, ये मैंने दिखा दिया, ये रहा, यस यस, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, कैन यू सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का डायग्राम देख लीजिए, ये मायोसिन है, इसने नीचे बनाया है, ये मायोसिन का हेड है, ये मायोसिन का हेड है, ठीक है, मायोसिन का हेड है, राइट। जब बेटा इसके पास एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब तक इसके पास एटीपी है, ये देखो यहां पर एटीपी है, बड़े भैया बैठे हैं, तब तक बेटा ये नहीं जुड़ेंगे, तब तक नहीं जुड़ेंगे, यहां से शुरू करो। फिर बेटा ये एडीपी टूटा, एटीपी टूटा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तब बेटा ये जाकर जुड़ गए, जुड़कर इन्होंने क्या बना लिया, क्रॉस ब्रिज बना लिया, क्या बना लिया, क्रॉस ब्रिज बना लिया। फिर बेटा जैसे ही एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेंगे, इसके हेड में चेंज आ जाएगा, हेड अपनी जगह बदलेगा, जिसकी वजह से ये जो थिन फिलामेंट है इट विल एक्चुअली स्लाइड, एंड दिस इज कॉल्ड अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलोगे इसको? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसके लिए जो जंक्शन पे काम हुआ, मैसेज आया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आया, कौन लेकर आया, एसिटाइल कोलिन लेकर आए, जिसमें यहां पर जो मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से है, दैट इज फॉर्मिंग टी ट्यूब्यूल, कैन यू सी, दीज आर द टी ट्यूब्यूल, द सार्कोलेमा इज फॉर्मिंग द टी ट्यूब्यूल सिस्टम, जिसमें बेटा जैसे ही मैसेज यहां पहुंचेगा कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम जुड़ेगा टीपीसी से, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, अनमास्किंग हो जाएगी, ठीक है जी, यस। तो ये बात होगी अपनी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, जिसकी वजह से बेटा ये जो थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, ये स्लाइड होके अंदर की तरफ जा रहा है, ये स्लाइड होके बेटा जी अंदर की तरफ जा रहा है। हैव अ लुक गाइस, हैव अ लुक, पहले जेड ये था, देखो इधर, पहले जेड ये था, ठीक है, जेड था, जेड एक्टिन को पकड़ के बैठा था, थिन फिलामेंट को पकड़ के बैठा था, फिर बेटा थिन फिलामेंट अंदर आया तो जेड यहां आ गया, देखो जेड अंदर की तरफ मूव किया तभी थिन फिलामेंट अंदर आया, और अंदर आया फिर जेड और अंदर की तरफ मूव किया, यानी कि धीरे धीरे मूव कौन कर रहा है, धीरे धीरे मूव कौन कर रहा है, थिन फिलामेंट मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो बीच का ए बैंड है ये छोटा होता जा रहा है, यस, ए बैंड छोटा होता जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आया ए बैंड गायब हो गया, देख रहे हो, नो ए बैंड, क्योंकि ए बैंड छोटा होता जा रहा है। क्या मायोसिन मूव करता है? तुम बोलोगे मायोसिन तो मोटू है, मोटू तो मूव ही नहीं कर सकते, ना इधर होंगे ना इधर होंगे, कौन मूव करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्टिन मूव करेगा, थिन फिलामेंट मूव करेगा, ठीक है। फिर वो बोलते हैं क्या ए बैंड या आई बैंड मूव करता है? बेटा बैंड्स मूव नहीं कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली द एक्टिन विच इज मूविंग, ठीक है, बैंड्स मूव नहीं कर रहे हैं, एक्टिन मूव हो रहा है। लेंथ किसकी चेंज हो रही है? लेंथ बेटा बैंड्स की चेंज हो रही है और आपके एक्टिन मायोसिन की नहीं हो रही है, मैं लिख रही हूं यहां पर, तो अल्टीमेट, और घोड़ी आ जा रही है यार बारी बारी, हां जी, अल्टीमेटली आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, दैट द ए बैंड क्या हो रहा है? शॉर्टन हो रहा है। ए बैंड क्या हो रहा है? यस, ए बैंड क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है। क्या एक्टिन छोटा होता जा रहा है? क्या एक्टिन छोटा होता जा रहा है? क्या मायोसिन की लेंथ छोटी होती जा रही है? तुम बोलोगे ये जो इनकी लेंथ है, प्रोटीन की लेंथ है, वो तो सेम रहती है। लेंथ में किसके फर्क आता है? बैंडिंग के। किसके फर्क आता है? बैंड्स के। यस, ध्यान दे, इस वाले पॉइंट को अच्छे से देखिए। यस, देखो फटाफट से। एक मिनट, रुको, मैंने उल्टा लिख दिया। सार्कोमियर की लेंथ डिक्रीज हुई, जस्ट अ सेकेंड, सार्कोमियर
की लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है, सार्कोमियर की लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है, एक्टिन अंदर आता जा रहा है, जिसकी वजह से आई बैंड छोटा हो रहा है। माय बैड बेटा, माय बैड, आई बैंड लिखना था, ए बैंड लिख दिया। आई बैंड क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। इधर ध्यान दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। हां जी बेटा, ये ए है, ये ए है, ठीक है, अभी भी ए इतना ही है, ए को फर्क नहीं पड़ेगा, जहां जहां पर मायोसिन है वहां ए रहेगा, लेकिन जो अपना आई है वो जेड मूव करने की वजह से छोटा होता जा रहा है। यस, छोटा होता जा रहा है। यस यस, माय बैड, आई लिखना था यार, ए लिख दिया। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आई बैंड छोटा हो रहा है, क्या चीज सेम रह रही है? एम लाइन जो है वो अपनी जगह से नहीं हिली, और ए बैंड जो है जहां पर मायोसिन है वो अपनी जगह से नहीं हिला, दैट इज अनचेंज्ड। अब ठीक है, अब ठीक है यार, बताओ, आई छोटा होता जा रहा है क्योंकि अंदर घुसता जा रहा है, क्योंकि आई क्यों छोटा होता जा रहा है बेटा? आई वो था जहां पर एक्टिन अकेला था, ये देखो एक्टिन अकेला था, इतना आई था, मान लो इधर, इधर ये आई इतना सा रह गया, इधर तो एक्टिन अकेला बचा ही नहीं, इधर तो एक्टिन अकेला बचा ही नहीं। यस बेटा, अब ठीक है, बताना। यस ठीक है पवन जी, ओके पवन जी, हाँ ठीक है, बिना एनोटेशंस के भेज देंगे, बिना एनोटेशंस के भेज देंगे। एनोटेशन से दिक्कत क्या है यार, उसमें तो भाई लिख रही हूं, प्रॉब्लम क्या है? कॉपी करके कहीं बेचोगे क्या नोट्स को? कई बार मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कहते हैं मैम बिना एनोटेशंस के ही ब्यूटीफुल नोट्स भेज दो, तो मुझे ऐसा लगता है तुम लोग ना कमाई का साधन ढूंढ रहे हो कि मेरे से कह रहे बिना एनोटेशन के भेजो, ताकि वो तुम आगे जाके अलग अलग, अरे मैं बता रही हूँ बच्चों ने मेरे नाम से क्या क्या टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, व्हाट आर दे सेलिंग। बेटा मेरा एक ही टेलीग्राम ग्रुप है, एक नहीं एक्चुअली में दो है, दैट इज t.me/seepmam, दैट इज सीप पाहुजा बायोलॉजी, 1,67,000 से अधिक बच्चे उसमें है, है ना? तो मुझे कई बार ऐसा लगता है ये इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि शायद ये इन्होंने ही बनाए हैं। देखो मैम का दिमाग कितना काम कर रहा है, पता नहीं किस किस में कर रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग। ठीक है चलो, ये क्या था? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये क्या था? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो सार्कोमियर छोटा हो रहा है, आई बैंड छोटा हो रहा है, एक्टिन मायोसिन की लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, सार्कोमियर की लेंथ में चेंज आ रहा है, एम लाइन अपनी जगह पर रह रही है और ए बैंड अपनी जगह पर रह रहे हैं। ठीक है, ए बैंड अपनी जगह पर रह रहे हैं। तो ये बात हो गई आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन की, और सार्कोमियर की लेंथ बेटा इट शॉर्टन्स टू 1/3 और टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है या एक तिहाई हिस्सा हो जाता है ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, 1/3 और हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो ये बात होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन की, मसल कॉन्ट्रैक्शन ये डिस्कस कर लिया, ऊपर आ जाइए, ये भी डिस्कस कर लिया। हाँ, अब बेटा दो तरीके के मसल फाइबर है, अब क्या है? दो तरीके के मसल फाइबर है, जरा यहां ध्यान दीजिए, यहां पर फटाफट से ध्यान दीजिए। यस कम ऑन, पहला है रेड स्केलेटल मसल फाइबर, दूसरा है व्हाइट फाइबर्स। रेड फाइबर्स कौन से हैं? ध्यान देना है, रेड फाइबर्स रेड इसी वजह से है क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन का कंटेंट क्या है? बहुत हाई है। व्हाइट वाले में मायोग्लोबिन का कंटेंट बेटा क्या होता है? लो होता है। मायोग्लोबिन का कंटेंट क्या होता है? लो होता है। रेड वाले जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से बेटा ये कौन सी रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। रेड वाले जो है, व्हाइट वाले जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, इस वजह से एक कैसी मसल फाइबर है? ये बेटा एनएरोबिक मसल फाइबर है। ठीक है जी, अब अगर एरोबिक होगी तो यार एटीपी ज्यादा बनेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है एटीपी क्या बनेगा? कम बनेगा। देखो रेड हर एक चीज में आगे है, मायोग्लोबिन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन में, एटीपी में, एक चीज में पीछे है, बस एक चीज में पीछे है, और वो एक चीज कौन सी है? वो एक चीज है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है, यहां सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। खेल जाता है बेटा ऐसे, बंदा ऐसे रट्टा मारता है, बच्चे रट्टा मारते हैं, रेड में सब कुछ ज्यादा है बस, व्हाइट में सब कुछ कम है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, रेड में सब ज्यादा है एक्सेप्ट एसआर, व्हाइट में सब कम है एक्सेप्ट एसआर। ठीक है, व्हाइट में सब कम है एक्सेप्ट एसआर, यस एक्सेप्ट एसआर, याद रहेगा, याद रहेगा। अब लैक्टिक एसिड किसमें एक्यूमुलेट होगा? लैक्टिक एसिड बेटा किसमें एक्यूमुलेट होगा? आप बोलेंगे लैक्टिक एसिड वहां होता है जहां एनरोबिक होती है, तो यार इस केस में अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर लैक्टिक एसिड भी खूब एक्यूमुलेट होगा। अब अगर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा तो ज्यादा लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं शो कर सकते ना, लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं शो करते, यानी कि यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन है
वो कुछ देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, लेकिन बेटा यहां पर लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है, इस वजह से प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन दिखा सकता है, मतलब यहां पर प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, और यहां पर शॉर्ट टाइम कॉन्ट्रैक्शन होगी, फास्ट टू स्टार्ट है, शॉर्ट टाइम कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्लासिक डिफरेंस बताऊं, अब आपने दो तरीके की रेस देखी है, स्कूल में भी देखी होगी या ऐसे भी देखी होगी, दो तरीके की रेस होती है, एक होते हैं स्प्रिंट रनर्स, 100 मीटर की रेस है, 50 मीटर की है, 200 मीटर की है, एक होते हैं बेटा मैराथन रनर्स, 42 किलोमीटर मैराथन है, 22 किलोमीटर मैराथन है। स्प्रिंट की क्या खास बात है, स्प्रिंट की खास बात है आपको फटाफट से स्पीड लेनी है, फास्ट टू स्टार्ट एंड फास्ट टू स्टॉप, 100 मीटर बाद रुक जाना है, यानी कि सारी एनर्जी आपको उन 4-5 सेकंड में ही झोंकनी है, ठीक है। आपने वन ऑफ द फेमस मेडलिस्ट हैं स्प्रिंट में, यूसेन बोल्ट, देखे कितनी तेज दौड़ते हैं सेकंड्स में, मतलब अपने रिकॉर्ड को बीट कर ही जा रहे हैं वो, ओके। और एक चीज होती है मैराथन रनर, धीरे धीरे कछुए की तरह चलते जाना है, 3-4 घंटे में मैराथन जो है वो खत्म हो जाएगी। अब आपकी बॉडी में बेटा स्केलेटल मसल भी है, रेड मसल भी है और व्हाइट स्केलेटल मसल भी है, लेकिन एक टाइप की मसल इनमें ज्यादा डेवलप्ड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं स्प्रिंट रनर को चाहिए कि भैया शॉर्ट टाइम में तेज कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, फटाफट से दौड़ लें, यानी कि स्प्रिंट वाले को अपनी कौन सी वाली मसल बेटर चाहिए, व्हाइट वाली मोर डेवलप्ड चाहिए। अगर मैं बात करूं मैराथन रनर ने तो दौड़ते ही जाना है, बहुत तेज दौड़ते जाना है, तो यार उसको अपनी कौन सी वाली मसल बेटर चाहिए, तुम बोलोगे उसको अपनी रेड वाली मसल बेटर चाहिए। तो क्या यूसेन बोल्ट भगवान से दुआ मांगता है कि मेरी व्हाइट मसल बढ़ा दो भैया, व्हाइट मसल बढ़ा दो, है बताओ, क्या यूसेन बोल्ट रोज भगवान से मांगने जाता होगा ये कि मेरी व्हाइट वाली मसल बढ़ा दो? नहीं बेटा, भगवान से मांगने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि द नंबर ऑफ रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर दे आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड, ये आपकी जीन्स में है भैया, जितनी होनी है, बढ़ नहीं सकती है कि तुम सोचो वो भगवान से जाके रोज दुआ मांगता होगा, है ना, ये है भैया, आधे बच्चों को पता ही नहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड बेटा ऑन योर पार्ट, इनकी बात हो रही है। ये है, हाँ जी, ही इज अ स्प्रिंट रनर, ठीक है, 100 मीटर में दौड़ते हैं और वन ऑफ द चैंपियन है, ठीक है, चैंपियन है। तो ये दुआ नहीं मांगते हैं जाके, ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी व्हाइट मसल बढ़ा दो, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ व्हाइट एंड रेड मसल इज एक्चुअली फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है। तो फिर यार ये क्या करते हैं, इनको चाहिए कि यार इनकी व्हाइट मसल डेवलप्ड हो जाए, मोर डेवलप्ड देन यू, मोर डेवलप्ड देन अदर्स, यानी कि इनकी ट्रेनिंग का पार्ट है, कि यार इनकी व्हाइट वाली मसल ही ज्यादा डेवलप होंगी रादर देन द रेड मसल फाइबर, ओके, याद रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लीजिए अगर मैं यहां पर 3 घंटे खड़ी होके पढ़ा रही हूं तो मेरी कौन सी वाली मसल काम कर रही होगी फॉर प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, बताइए रेड या व्हाइट, कौन सी वाली मसल काम कर रही होगी, यस बताओ, ये सीयू करना छोड़ो यार, मेरी बैक की मसल इतनी देर से कॉन्ट्रैक्टेड है बिकॉज जब तक मैं लेटूंगी नहीं, बैठूंगी नहीं, ये रिलैक्स नहीं करेंगी, विच मसल इज वर्किंग एट दिस टाइम, बैक मसल वाली बात है। अब तुम देखो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी तो कौन सी मसल होगी आपकी, रेड वाली मसल होगी। दूसरी जगह मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, व्हाट अबाउट द मसल ऑफ माय आईलिड्स, मेरी आंखें एक मिनट में पता नहीं कितनी बारी ऐसे ऊपर नीचे होती हैं, आईज मसल्स में कौन सी वाली मसल फाइबर है आपकी, रेड या व्हाइट, आईज में बताइए, ठीक है, आईज में कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, दैट इज गोइंग टू बी व्हाइट मसल फाइबर। देन आपसे पूछा जाएगा दो पंछियों के बारे में, किसके बारे में पूछा जाएगा, दो पंछियों के बारे में, एक पंछी है काइट, दूसरा पंछी है स्पैरो, ठीक है, काइट की खास बात क्या है, काइट लॉन्ग फ्लाइट लेता है, लंबी उड़ान पे जाता है, स्पैरो की खास बात क्या है, स्पैरो बेटा एक घर से दूसरे घर जाती है,
स्पैरो क्या है, एक घर से दूसरे घर, ये अर्शी के घर से चली और प्रवीण के घर पे रुक गई, फिर प्रशांत के घर से चली रचित के घर पे रुक गई, आकांक्षा के घर से चली अजय के घर पे रुक गई, तो किस में कौन सी वाली मसल्स मोर डेवलप्ड है? नंबर की बात नहीं होगी बेटा, नंबर इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, इट कैन नॉट चेंज आफ्टर बर्थ, ओनली थिंग विच कैन चेंज इज देयर इफेक्टिविलिटी, उनकी स्ट्रेंथ बदल सकती है, उनपे डेवलपमेंट किसकी ज्यादा है। यस, अगर बात करें काइट की, किसकी बात करें, काइट की, काइट तो यार लंबी उड़ान भरता है, यानी कि इसको प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन के लिए एरोबिक मसल होना जरूरी है, यानी कि यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा रेड मसल फाइबर इसकी ज्यादा डेवलप्ड है। जबकि स्पैरो, चिड़ी की बात करनी थी, मैंने कौवा बोल दिया, स्पैरो इज चिड़िया, चिड़िया जो है वो एक जगह से उठ के एक घर से दूसरे घर, देन एक पेड़ से दूसरे पेड़, तो यार इसमें कौन सी वाली मसल ज्यादा डेवलप्ड होंगी, दैट इज गोइंग टू बी व्हाइट वाली, ठीक है, व्हाइट वाली। तो मैराथन रनर में मोर डेवलप्ड रेड, स्प्रिंट रनर में व्हाइट, काइट में मोर डेवलप्ड रेड, स्पैरो में व्हाइट, और क्या एग्जाम्पल दिया था, बस ये दिया था, है ना। सो विद दिस वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, दो तरीके के स्केलेटल मसल फाइबर है, राइट, ओके। हाँ, एक बारी बेटा मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगी यहां पर, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, तो बेटा मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फटाफट से एक बार रिलैक्सेशन ले लीजिए। यस, रिलैक्सेशन, देखो कॉन्ट्रैक्शन को शुरू करने वाला कैल्शियम था, है ना, कैल्शियम आया तभी ये सारा हिस्सा स्टार्ट हुआ। अगर बेटा कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए, ठीक है, कैल्शियम को क्या कर लिया जाए, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए, तो यार जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा, रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो है चालू हो जाएगा, और जो मसल की लेंथ है वो फिर से बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन में मसल छोटी हो जाती है, रिलैक्सेशन में मसल बड़ी हो जाती है, लेंथ वाइज बड़ी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोमियर की लेंथ 1/3, 1/2 भी हो सकती है, और रिलैक्सेशन में उसकी लेंथ फिर से बड़ी हो जाएगी, यानी कि कैल्शियम का खेल है, कैल्शियम आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, कैल्शियम नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं, रिलैक्सेशन हो जाएगी। विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एक बार ये भी देख लीजिए। यस, मायोसिन एक पॉलीमर है, किसका, मीरोमायोसिन का, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बता दी, और बाकी सब बता दिया। शुड वी स्टार्ट विद द स्केलेटल मसल बेटा, शुड वी स्टार्ट विद द स्केलेटल मसल, हां जी बेटा शुरू करें, बताइए, एवरीवन इज रेडी, फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो यार, क्योंकि हम सेकंड हिस्सा जो कि बहुत आसान हिस्सा है, इसको मैंने 3D में भी करवाया हुआ है, मेरे आप 3D सेशंस ऑन स्केलेटल मसल इसी चैनल पे देख सकते हो, अगर आप YouTube पे डालेंगे सी पाहुजा स्केलेटल मसल 3D तो आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी नीट चैनल पर ही है। अभी के लिए मैं आपको ट्रिक्स के साथ लर्न कराने वाली हूं नंबर ऑफ बोन्स, यही प्रैक्टिकल है यार, कल मैंने क्लास लेनी है ना आउट ऑफ NCERT प्रैक्टिकल की, यही प्रैक्टिकल है, ये जो हम करेंगे बोन्स, ये प्रैक्टिकल में आती है। जब तुम MBBS में एंटर करोगे, MBBS में बोन्स का पुतला लेके जाना पड़ता है, ठीक है, सारे एक बैग होता है हर बच्चे के पास जिसमें सारी बोन्स होती हैं, और वो यू नो आंखें बंद करके फील करके बता देते हैं कि ये कौन सी बोन है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं नंबर ऑफ बोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, यस, इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, ओके। चलिए शुरू करते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इज अ फ्रेमवर्क ऑफ, किसका फ्रेमवर्क है बेटा, आपकी बोन्स का, और किसका, फ्यू कार्टिलेज, बहुत सारे कार्टिलेज भी हैं। बोन आपको पता है यार, एनिमल टिश्यू में हमने किया था, इट्स वेरी हार्ड मैट्रिक्स, कैल्शियम की वजह से हार्ड होता है। कितनी बोन्स हैं, 206 हैं, कितनी है, 206, याद रहेगा, हाँ जी। और बेटा कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो प्लाइबल है, दब सकता है, ये देखो ये कार्टिलेज है नोज की टिप, ये कार्टिलेज है पिन्ना, ठीक है, किस वजह से, ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, और थोड़े बहुत आपके कार्टिलेज भी प्रेजेंट है। अब बेटा आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, बीच वाला एक्सियल, ये आपकी बाजुएं लेग्स, ये आ जाएंगे अपेंडिकुलर में, ठीक है, ये एक्सियल यानी कि आपकी स्कल फेस, ये स्टर्नम, पीछे बैकबोन, रिब्स, ये सब एक्सियल है, ठीक है। अब एक बंदा मुझे चाहिए वॉलंटियर, कौन वॉलंटियर करेगा हमारी क्लास में, यस 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 यस, बताओ कौन वॉलंटियर करेगा बेटा, जिसका मुझे यहां डायग्राम बनाना है, उसका स्केलेटल सिस्टम खोल के दिखाना मुझे, एनी वॉलंटियर, देखो अपने में मजाक लेने वाला आदमी होना चाहिए, सेशन को लाइक करो फटाफट से, देन मैं चूज करती हूं यहां से। नवीन भाईजान, नवीन भाईजान ने पिंक कलर का हाथ दिखाया है तो मैं उनको चूज कर रही हूं, ओके। तो नवीन भाईजान यहां पर हैं,
हमारे स्केलेटल मसल के साथ, स्केलेटल सिस्टम के साथ, ठीक है। बड़ा हंसना नहीं, ये नवीन भाईजान है और ये इनकी गर्दन है। पिछली बारी मैंने, मुझे याद है, आज भी याद है, मैंने 2022 को जो क्रैश कोर्स बनाया था, कराया था, उसमें मैंने उसकी गर्दन ही नहीं बनाई थी, दे वॉज गर्दन लेस, ओके। बट यहाँ पे अब मुझे याद है कि मुझे गर्दन बनानी है। ये इनके बाजू है, ठीक है, एक मिनट, यस, ये नवीन भाईजान है, ओके, ये इनका ऊपर का हिस्सा है और फिर ये ऐसे हो जाएंगे, रुकिए, ठीक है, और ये इनके फिर नीचे लेग्स हैं, ओके। तो ये नवीन भाईजान है, ठीक। तो यार ये वाला जो स्केलेटन है, दिस वन, जिसमें हेड की सारी बोन्स आ जाएंगी, फेस की आ जाएंगी, या आगे यहां पर जो भी है, आगे डॉर्सल साइड, पीछे आगे वाली वेंट्रल साइड, पीछे वाली डॉर्सल साइड, यानी कि इतने हिस्से में जो भी आएगा, दिस वन, शोल्डर भी आ गए, हिप भी आ गए बीच में, स्कल, फेस, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, ये सारी चीजें बेटा किसमें आ जाएंगी, आपके फर्स्ट स्केलेटल सिस्टम में, जिसका नाम है एक्सियल, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, ये नवीन भाईजान का एक्सियल स्केलेटन है। और फिर बेटा ये वाला, ये हो गया, ये हो गया, नीचे की उनकी लेग्स हो गई, ये किसमें आ जाएंगी, अपेंडिकुलर स्केलेटन में, अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है नवीन भाईजान। तो आपको, आप देखोगे मैम कितना डिस्प्रोपोर्शनेट है कितना डिस्प्रोपोर्शनेट है, आपने ये उसकी धड़ थोड़ा बड़ा बना दिया और लेग्स बेचारे की इतनी सी कर दी। बेटा भाई मैंने कहा मजाक लेना आना चाहिए क्या लेना आना चाहिए, मजाक लेना आना चाहिए। अब यार कौन कितनी बोन्स है, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा यहां से आएगा। अगर मैं बात करूं स्केलेटल सिस्टम की, स्केलेटल सिस्टम, नंबर ऑफ बोन्स की बात करते हैं, टोटल बोन्स कितनी है, 206 है। डिवाइड कर दो इसको किस में, एक्सियल और अपेंडिकुलर, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल की बात करें, एक्सियल में बेटा 206 में से 80 बोन्स इसमें आती है, कितनी, 80 इसमें आ गई। अपेंडिकुलर में कितनी बच गई, 126 बोन्स बच गई, तभी टोटल कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। अगर एक्सियल की बात करें तो सबसे पहले आपकी खोपड़ी आती है, खोपड़ी यानी कि स्कल आ जाएगी। स्कल में बेटा मैं पूरे को स्कल कर रही हूं, स्कल कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम यानी कि आपकी ब्रेन बॉक्स, ठीक है, और आपका फेस भी। स्कल में दो चीजें आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा क्रेनियम जिसमें 8 बोन्स होती हैं, और बेटा फेशियल, फेशियल बोन्स आ जाएंगे जिसमें टोटल कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 14 + 8 22 हो गई, 22 बोन्स किसमें हो गई, स्कल में। आप कह रहे मैम गिन रही हैं, बिल्कुल गिनेंगी, यस। और आ जाएंगी आपकी ईयर की ऑसिकल्स, ये कान में, मैलियस इंकस्टेप्स, मैलियस इंकस्टेप्स कितनी हो गई, 6। और क्या आ जाएंगी बेटा, हाइड, ये टंग के नीचे होती है, एक ही होती है, सिंगल दुकेली, अकेली दुकेली बोन, दैट इज हायर्ड। हायर्ड के बाद आएगी आगे स्टर्नम, वेंट्रल साइड पे, ये भी क्या होती है, 1 होती है। देन आपके आ जाएंगे 24 रिब्स, 12 इधर 12 इधर, ठीक है, कितने हो गए, 24। और बेटा पीछे की साइड पे, डॉर्सल साइड पे, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट की बात करें तो कितनी बोन्स होती है वर्टिब्रल कॉलम में, 26। बच्चे की बात करें तो 33 होती है, 26। जरा टोटल करके देखो, 22 + 6 + 1 + 1 + 24 + 26, क्या 80 बनता है क्या 80 बनता है, कैन यू टेल मी, फटाफट से बच्चे मुझे प्लस करके बताइए। आपका प्लस मेरे से फास्ट होना चाहिए, मैं नहीं करूंगी, गड़बड़ भी हो सकती है यार, फटाफट से कर लो। डज इट कम आउट टू बी 80? यस, प्लस करो, ऐसे नहीं यस बोल देना कि मैम ने लिख दिया तो हो गया। बेटा मैम का भी मैथ हिला हुआ है, सच बात यह है ना, बट मुझे पता मैंने ठीक लिखा है, मुझे 10 साल हो गए बेटा इसको लिखते हुए, 10 ईयर्स हो गए बेटा मुझे लिखते हुए। हाँ 80 आ रहा है, प्लस करके देख लिया सबने, प्लस करके देख लिया। चलिए अपेंडिकुलर की बात करें तो अपेंडिकुलर में एक तो आपकी बाजुएं और लेग्स आ जाएंगी और साथ में गर्डल्स आ जाएंगे, शोल्डर और हिप्स वाले, ठीक है। तो अपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं, एक तो आ जाएंगे गर्डल्स और एक आ जाएंगे लिम्स। लिम्स में बेटा 4 लिम्स ऊपर वाले एंड हाइंड लिम्स नीचे वाले। ईच लिम्ब में याद रखना है, ईच लिम्ब में टोटल पता है कितनी बोन्स होती हैं, 30 बोन्स होती हैं ईच लिम्ब में, 30 यानी कि 30
30 30 30 कितना टोटल हो गया आपका 120 है ना, 3 4 12 होता है 120। गर्डल्स की बात करें, गर्डल्स की बात करें तो आपके पास दो गर्डल है, एक शोल्डर गर्डल है और कितना हो जाता है, और एक हिप गर्डल है। शोल्डर गर्डल को हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, हिप गर्डल को हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल। कितनी होती है पेक्टोरल गर्डल में, दो यहां पे, दो यहां पे, टोटल चार। पेल्विक गर्डल, हिप में एक ही बोन होती है बेटा, वैसे वो तीन बोन से जुड़ के बनती है, बट एक्चुअल में वन बोन, वन। ठीक है, तो आप टक टक करके बता सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी टू हो गई टोटल, है ना, एक इधर हिप है एक इधर हिप है। तो इनका प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 + 120 = 126। यस, तो ये अपनी कैलकुलेशन है, ये अपनी क्या है, कैलकुलेशन है। अब वन बाय वन हम हर ऑर्गन में देख लेते हैं कौन सी बोन्स हैं, कौन सी बोन्स। अरे ये कौन आ गया, यूसेन बोल्ट आ जा रहे हैं, यूसेन बोल्ट आ जा रहे हैं। सबसे पहले आता है स्कल, स्कल मैंने बताया क्रेनियम भी ले लोगे, ये क्रेनियम है और ये फेस भी ले लोगे, 8 + 14 8 + 14। मेरे साथ साथ इसको याद करें, मेरे साथ साथ आप इसको याद करें, ठीक है। तो स्कल में टोटल 8 + 14 हो गया ना, मेरे साथ साथ याद करो, 8 + 14, 8 इज क्रेनियम, 14 इज फेस, फेशियल बोन्स, टोटल 22 हो गई। 8 क्रेनियल बोन क्या बनाती है, हार्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है पूरे ब्रेन की खोपड़ी, ठीक है। और 14 फेशियल बोन बेटा फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, ये पूरा स्कल है पूरा, जिसमें फेस भी आ जा रहा है, ठीक है। अब यार कौन कौन सी बोन आपकी क्रेनियम में है, कौन कौन सी बोन क्रेनियम में है मैं बता दूं फटाफट से, क्रेनियम याद करने का तरीका, कुछ कुछ खास बातें हैं बेटा क्रेनियम में भी। क्रेनियम इज द ब्रेन बॉक्स, नेचुरल हेलमेट, ठीक है, ब्रेन बॉक्स है। टोटल कितनी बोन्स है, 8 बोन्स है, इन 8 में से दो तो पेयर्ड है, 2 पेयर्ड है, और रेस्ट जो है वो अनपेयर्ड है। पेयर्ड बोन कौन सी है बेटा, टिक्का किस पे लगाते हो, टिक्का किस पे लगाते हो, माथे पे, यहां पे टीका लगता है। ये जो माथे पे आपकी बोन है इसका नाम है फ्रंटल, क्या नाम है, फ्रंटल। ये एक ही होती है, ये क्या होती है, एक ही होती है, टिक्का एक पे लगा रहे हो ना, पूरी एक है, दिस इज वन। देन पेयर्ड में ये पेराइटल, टच करो सब बच्चे अपने हाथ से टच करें, ये पेराइटल। फिर पेयर्ड में कान के ऊपर वाली टेम्पोरल, और फिर पीछे ऑक्सीपिटल। तो पेयर्ड में दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा पेराइटल, दो होती है, फिर कान के ऊपर वाली कौन सी है, टेम्पोरल, ये भी क्या होती है, दो होती है। फिर ये पीछे, ये यहां पर एक होती है सिंगल, दैट इज ऑक्सीपिटल, क्या होता है ऑक्सीपिटल, एक होती है। और क्या होता है बेटा इसके अलावा, इसके अलावा एक होती है स्फीनॉइड, अंदर की तरफ होती है स्फीनॉइड, दैट इज ऑल्सो वन। एंड देन होती है एथमोइड, एथमोइड ये भी क्या होती है, वन होती है, ठीक है। इसको याद करने का एक मेरे पास न्यूमोनिक भी है, पहले पढ़ लो फिर मैं बताती हूं। अगर बात करें स्फीनॉइड की, स्फीनॉइड बेटा इट इज प्रेजेंट इन यू नो सेलाटर्सिका, सेलाटर्सिका आपको मैं बताऊं क्या है, ये एक्चुअली में ना टर्किश सैडल की तरह बेटा होता है, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो इसके पास इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका, और इसके अंदर आपका क्या बैठा होता है, छोटा सा ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसकी शेप पता है किसके जैसी है, स्फीनॉइड की, इसकी शेप है बटरफ्लाई जैसी, किसके जैसी है, बटरफ्लाई जैसी। ये बेटा एक ऐसी बोन है, स्फीनॉइड एक ऐसी बोन है जो सारी क्रेनियल बोन से जुड़ती है, सबकी दोस्त है, मैं सबकी दोस्त हूं। ये बेटा आर्टिकुलेट्स विद ऑल द क्रेनियल बोन, इसकी खास बात है ये सबसे जुड़ती है, विद ऑल द क्रेनियल बोन्स, इट आर्टिकुलेट्स विद ऑल द क्रेनियल बोन्स। अगर बेटा ये सबसे जुड़ती है इसीलिए इसको बोला जाता है की स्टोन बोन, इसको क्या बोला जाता है, की स्टोन क्रेनियल बोन, क्योंकि ये स्फिनॉइड है बेटा जो सबसे जाकर जुड़ती है, सबसे जाकर जुड़ती है। ओके, अब दिख रहा है माधवी, अब दिख रहा है, हाँ मैं इधर आ गई हूं, मैं इधर आ गई हूं, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीपिटल की, ऑक्सीपिटल की बात करें तो ऑक्सीपिटल के पास ना इस तरीके से एक ओपनिंग है, एक है ओपनिंग, टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीपिटल, इट हैज एन ओपनिंग, छेद है इसमें, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। मैग्नम तो एक कुल्फी भी होती है, मतलब एक ब्रांड है ना, बड़ी महंगी कुल्फियां आती है बेटा, मैंने तो कभी नहीं खाई। इसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, और बेटा इस छेद के अराउंड, मान लीजिए ये छेद है फोरामेन मैग्नम है, इसके अराउंड बेटा दो ऐसे घंटियां सी लटक रही है, एक इधर है
और एक इधर है, दो घंटियां हैं, इन घंटियों को बोलते हैं कॉन्डाइल्स। जैसे मोटा सा आप टच भी कर सकते हो, यू कैन टच दीज टू कॉन्डाइल्स यहां पर, ठीक है, इनको बोलते हैं कॉन्डाइल। तो हमारी स्कल में ऐसे दो यू नो प्रोट्रूजन टाइप है, यू कैन टच ओवर देयर, यहां पर कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज डाइकोंडाइलिक स्कल। हमारी स्कल कैसी है? डाइकोंडाइलिक स्कल है, ठीक है। सिर्फ एम्फीबियन और मैमल की स्कल डाइकोंडाइलिक है, बाकी सब मोनो है, बाकी सब मोनो है, सिर्फ एम्फीबियन और मैमल इज हैविंग डाइकोंडाइलिक स्कल, डाइकोंडाइलिक स्कल, ठीक है जी। चलिए अब इसको याद कैसे करें, इसको याद कैसे करें मैम, आठ बोन्स है। इसके लिए बेटा न्यूमोनिक पता क्या है, इसके लिए न्यूमोनिक है अगर तुम जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, फास्ट पाथ टू सक्सेस इज एजुकेशन। एक ही तरीका है, दैट इज एजुकेशन। एफ फॉर फ्रंटल, पी फॉर पैराइटल, टी फॉर टेम्पोरल, ओ फॉर ऑक्सीपिटल, एस फॉर स्फेनॉइड, ई फॉर एथमॉइड। फास्ट पाथ वैसे तो होता नहीं है कुछ, वैसे तो बेटा फास्ट पाथ होता नहीं है। हाँ, फर्स्ट स्टेप भी कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज एजुकेशन, यस दिस इज ऑल्सो गुड वन, बट मैंने शुरू से फास्ट पाथ से किया हुआ। वैसे तो कोई फास्ट पाथ होता नहीं है, बट फिर भी फास्ट पाथ अगर भी आप देखोगे सक्सेस के लिए, दैट इज एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। ओके, फर्स्ट स्टेप कर लो यार, फर्स्ट स्टेप कर लो। जैसे तुम्हें याद रखना है, एफ फॉर फ्रंटल, पी फॉर पैराइटल, टी फॉर टेम्पोरल, ओ फॉर ऑक्सीपिटल, ओ एस फॉर स्फेनॉइड, ई फॉर एथमॉइड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फेशियल बोन्स की, किसकी बात करते हैं, फेशियल। फेशियल के वैसे नाम आपकी कितनी है टोटल, 14 है, कितनी है 14। फेशियल के नाम वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, बट बेटा आपको पता होना चाहिए, दो नाक के ऊपर ये जहां चश्मा टिकाते हैं, चश्मा टिका के देखो यार, यहां पर नेजल कितनी होती है, दो, देन इंफ्रानेजल, इंफ्रानेजल कितनी है, ये भी दो, देन जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक ये भी कितनी है, दो, देन जहां से आंसू आते हैं लक्राइमल्स, ये भी कितनी है, दो, देन बेटा एक वोमर होती है अंदर की साइड पे, ये कितनी होती है, वन, मैक्सिला, मैक्सिला अपर जॉ कितनी है, दो, मैंडिबल लोअर जॉ कितना है, एक, ये एक ही है बेटा पूरा जबड़ा, दैट इज वन, और क्या बन गई, पैलेटाइन, पैलेटाइन में कितनी होती है अगर तुम्हें याद हो तो ठीक है, नहीं तो बेटा याद रख लेना, टोटल फेशियल बोन्स 14 होती है, प्लस करके देख लो, ठीक है, प्लस करके देख लो। ये देखो चीक बोन, जाइगोमैटिक दो हैं, ये नाक चश्मा जहां टिकाते हैं नेजल दो हैं, ये मैक्सिले दो हैं, ये जो मैंडिबल है ये एक है, एंड इट इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ होल स्कल। पूरे स्कल का एक ही बोन मूव करता है, ये लोअर जॉ, अपर जॉ मूव नहीं करता बेटा, ओनली मूवेबल बोन, एक ही बोन मूव करती है इन स्कल, दैट इज हाइड अपना मैंडिबल, मैंडिबल्स, ठीक है। फिर बेटा एक टंग के नीचे एक बोन है जिसका नाम है हाइड, हाइड कौन सी है, ओनली वन, यू शेप बोन है और सिंगल बोन है, ये बेटा किसी से नहीं जुड़ती है, किसी से भी नहीं जुड़ती है, नो वन, इट डज नॉट ज्वाइन विद एनी वन, मसल्स की हेल्प से ऐसे लटकी हुई है, इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं आपके बैक साइड पे, आ जाओ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी पॉइंट बता रही हूं। एडल्ट में कितने होते हैं, 33 बोन होती है, और बच्चों में, इन्फेंट में, एडल्ट में 26, रुको, और इन्फेंट में आकर जब हम देखते हैं बच्चों में 33, फिर बेटा इनकी बोन फ्यूज हो जाती है तो लास्ट में 26 ही रह जाती हैं। अब क्या है इसमें, जरा मैं देखूं, ये डायग्राम देख लो, ईयर ऑसिकल बेटा मैलियस इंकस टेप्स, ये सबको पता है, मैलियस इंकस टेप्स, तीन इधर तीन इधर, टोटल 6 हो गया, हां जी, वर्टिब्रल कॉलम का है इधर ध्यान दीजिए, कैन यू सी वर्टिब्रल कॉलम ओवर हियर, यस, हैव अ लुक बेटा वर्टिब्रल कॉलम। मैंने बताया टोटल बोन्स कितनी है इसमें, टोटल बोन्स कितनी है बेटा इसमें एडल्ट में 26 है। कैसे बनते हैं, 7 सर्वाइकल है, ये सर्वाइकल, आपकी मम्मी बोलती है मेरे सर्वाइकल में पेन है, सर्वाइकल क्या है, नेक में, ये पीछे सर्वाइकल है, नीचे बेटा 12 थोरासिक है, 5 लंबार है, सेक्रल वैसे टोटल 5 होती है बट फ्यूज्ड है,
फ्यूज्ड के लिए मैंने 5 पे ब्रैकेट लगा दिया, कोकीजेल 4 होती है लेकिन फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड का मतलब है वो 5 मिलके एक बना रहा है, 4 मिलके एक बना रहा है, ठीक है, 4 मिलके एक बना रहा है। फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C7 T12 L5 S5 फ्यूज्ड, तो मतलब 1 काउंट करोगे, CO5 CO4 फ्यूज्ड, तो इसको आप 1 काउंट करोगे, कितना काउंट करोगे, 1 काउंट करोगे। यस बच्चों, है ना, आपने घर में सुना होगा कि मेरी दादी को सर्वाइकल है, मम्मी को सर्वाइकल है, दिस इज बेसिकली सर्वाइकल नेक की प्रॉब्लम। अब यार ये काम क्या करता है, वर्टिब्रल कॉलम एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है और यहां पर आगे से आने वाले रिब्स भी अटैच होते हैं। दूसरी चीज बेटा, वर्टिब्रल कॉलम में जो फर्स्ट टू वर्टिब्रा है, दिस इज C1 एंड दिस वन इज C2। C1 और C2 का बेटा स्पेशल नाम है, क्या नाम है, C1 को बोला जाता है एटलस और C2 को बोला जाता है एक्सिस। तो एटलस के अंदर ना ऐसे छेद होता है, C1 में छेद होता है और C2 के पास ऐसे एक पेग होता है जिसकी वजह से हम नो बोल पाते हैं। आपने देखे जब नो बोलते हैं तो ऐसे ऐसे सर घूमता है, इधर गया फिर इधर गया, वो एक्चुअल में कैसे घूमता है, हमारी गर्दन में क्या है, एटलस एक्सिस, एक्सिस के पास ऐसे पेग है, एटलस के पास ये छेद है जिसकी वजह से ऐसे 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 होता है, ऐसे 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 दिस जॉइंट जिसमें एक रिंग हो, रिंग में से पेग निकल रहा और वो ऐसे ऐसे घूमता है, दिस जॉइंट, वेरी गुड बच्चों, आंसर मेरे पास आ जाना चाहिए आपका, दिस जॉइंट बच्चों इज कॉल्ड एज पिवट जॉइंट, क्या बोलते हैं, पिवट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है, एटलस एक्सिस याद रखना। फिर बेटा C1 के पास जो कि एटलस है, इसके पास दोनों डिप्रेशंस भी हैं ताकि ऊपर से जो हमारी डायकोंडाइलिक स्कल के जो कोंडाइल्स हैं वो इसमें फिट हो पाए, तो ये जो ऑक्सीपिटल से कोंडाइल निकल रहे हैं ना, ये C1 में एक तरीके से फिट हो जा रहे हैं। ओके चलिए, तो ये बात हो गई आपके वर्टिब्रल कॉलम की। बच्चों की बात करें, बच्चों में मैंने 33 कैसे बोल दिया, मैंने बोला इन्फेंट्स में टोटल बोन्स यहां पर कितनी होती है, 33, तो उनका फॉर्मूला क्या है, उनका फॉर्मूला है C7 T12 L5 S5, उनमें फ्यूज्ड नहीं है और CO4 फ्यूज्ड नहीं है, तो यार ऑटोमेटिकली सी बात है कि आपके पास 7 बोन्स और बढ़ जाएंगे, है ना, 7 बोन्स बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके से होता है, हमारे में आकर क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते ओके तो आप देख सकते हैं सर्वाइकल थ्रासिक लंबर एंड दो वर्टिब्रे के बीच में एक कार्टिलेजनस जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है, कार्टिलेजनस जॉइंट है यहां पर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और कौन सा कार्टिलेज है, यस प्लीज आंसर, इज इट हाइलाइन, इज इट येलो इलास्टिक, इज इट वाइट फाइबरस, कौन सा जॉइंट है, मैंने एनिमल टिश्यू में कराया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, और जिसने गलत दिया बेटा, जिसने गलत दिया अपने आप से क्लास में से उठ के बाहर बैठ जाए, हाईलाइन वाले सारे बच्चे उठ के बाहर बैठ जाए और फिर दोबारा ना आए क्लास में, हाइड कर दे इस क्लास को बेटा, वो डिजर्व नहीं करते पढ़ना क्योंकि उन्होंने एनिमल टिश्यू सीखा ही नहीं, है ना, फर्स्ट लेक्चर था बेटा इसका, फर्स्ट लेक्चर हाईलाइन का, आपने देखा ही नहीं एनिमल टिश्यू बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है यहां पर, आपकी रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है, इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है तो इसकी बाहर की जो प्रोटेक्शन है वो हल्की नहीं हो सकती, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, तभी तो बैकबोन आपका बॉडी का कोर है, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज इज व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज से बनती है, दैट इज व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। एक बच्चा तो हद मचा दी है, इस बच्चे का नाम जरा मैं पता करूं, एक मिनट रुकिए, लेट मी जस्ट सर्च फॉर हिज नेम, ये है नेहा कदावे, कह रहे टेंडन, मेरा टेंडन कार्टिलेज है, अगर टेंडन कार्टिलेज है तो मैं बिल गेट्स हूं और आप नरेंद्र मोदी हैं और एक बच्चा यहां पर शाहरुख खान है, अगर टेंडन कार्टिलेज है तो ठीक है चलो हाँ जी, अगर आपसे पूछा जाए इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा कौन सा है, तो आप बोलोगे दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, लंबर वाला जो है वो बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा है, ठीक है, L5, क्योंकि ये यू नो बैठते हो जब तो सारा वेट किस पे आता है, वेट आता है लंबर पे, तो लंबर इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन, और टेल बोन बनाते हैं ये सेक्रम और कॉकिक्स, क्या बनाते हैं आपकी टेल बोन बनाते हैं, क्या बनाते हैं टेल बोन, और आपको पता है जो कॉकिक्स है, कॉकिक्स है वो वेस्टिजियल है, हमें टेल बोन चाहिए नहीं है, जिनकी टेल होती है जैसे डॉग्स की कैट्स की तो उसमें यही एक्सटेंड हो जाता है कॉकिक्स, हमें नहीं चाहिए बेटा, इसलिए फ्यूज्ड है और वेस्टिजियल है हमारे में। नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं
स्टर्नम पे, किस पे चलते हैं, स्टर्नम पे, इधर आ जाइए। स्टर्नम बेटा बॉडी की वेंट्रल साइड पे है, किस पे है, वेंट्रल साइड पे है। वेंट्रल साइड पे डैगर शेप बोन है, ये देख रहे हो, ये कलरफुल डैगर शेप बोन है। इस डैगर शेप बोन का नाम है स्टर्नम। इट्स अ फ्लैट बोन ऑब्वियसली ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द थॉरेक्स, वेंट्रल मिडलाइन पे अटैच्ड है, डैगर शेप्ड फ्लैट बोन, यहां लिख देती हूं डैगर शेप्ड। इसके तीन हिस्से हैं, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोस्टर्नम। ये सारे नोट्स बेटा आपको मेरे टेलीग्राम सी पाउजा बायोलॉजी पे मिल जाएंगे, जाकर ले लीजिएगा, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग ग्रुप, 1,60,000 प्लस बच्चे हैं, तो वहां से ले लीजिएगा। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं मीजोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम। और ये नीचे छोटकू सा जो दिख रहा है, दिस इज ज़िफोइड प्रोसेस। ये क्या है, ज़िफोइड प्रोसेस है, ओके जी। चलिए अब इसी स्टर्नम के साथ आगे वाली साइड पर, यहां पर, यहां पर रिब्स है, देख ही रहे हो रिब बने हुए, ये स्टर्नम से जुड़ते हैं वेंट्रल साइड पे। डॉर्सल साइड पर रिब किससे जुड़ेगा, वर्टिब्रल कॉलम से, किससे जुड़ेगा, वर्टिब्रल कॉलम से। चलो नेक्स्ट अब रिब्स कर लेते हैं। रिब्स की बेटा अगर बात करें तो आपके पास टोटल कितने रिब्स हैं, 12 पेयर, यानी कि टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 24 हो गए आपके रिब्स, ठीक है, 24 हो गए। अब यार ये रिब्स ना तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, लेट मी डिवाइड द रिब्स इंटू थ्री कैटेगरीज, ठीक है, आ जाओ। रिब्स की बात करें तो कुछ सच्चे रिब्स हैं, ट्रू रिब्स हैं, और कुछ क्या है, फॉल्स रिब्स, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू रिब्स बेटा वो हैं जो आगे की साइड पर स्टर्नम से जुड़े हैं और पीछे की साइड पर वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं, यानी कि ये रिब्स वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम दोनों से जुड़े हैं, ठीक है, दोनों से जुड़े हैं, ओके। वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, दीज आर फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, फर्स्ट सेवन पेयर ऑफ रिब्स, दीज आर ट्रू रिब्स, ठीक है, आगे की साइड पे यहां जुड़े हैं, पीछे की साइड पे वहां जुड़े हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉल्स रिब। फॉल्स रिब दो तरीके के, आगे कुछ रिब्स ऐसे हैं यानी कि 8th, 9th, 10th जो आगे की साइड पर किससे जुड़े हैं, टू द कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th वर्टिब्रा, समझ लो, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से आगे की साइड पे कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th वर्टिब्रा, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। पीछे तो वर्टिब्रो है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रा यानी कि कार्टिलेज, कॉन्ड्रल रिब्स आगे की साइड पे कार्टिलेज से जुड़े हैं, दीज आर 8th, 9th, and 10th रिब। और कुछ रिब्स ऐसे हैं बेटा जो सिर्फ पीछे से जुड़े हैं, आगे ऐसे कहीं से नहीं जुड़े, ऐसे पड़े हैं लटके हुए, दैट इज वर्टिब्रल रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, वर्टिब्रल रिब्स। तो नंबर बता दो, नंबर अगर मैं बताऊंगी, फर्स्ट टू सेवेंथ यहां पर आ जाएगा 8th, 9th, and 10th रिब, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 11th and 12th रिब, ठीक है। ये जो लास्ट वाले रिब्स है वर्टिब्रल, इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। इनका काम क्या है, किडनी को प्रोटेक्ट करना, किडनी प्रोटेक्शन। बेटा क्या बात है, एक बात बताओ, तुमने एक काम नहीं किया, अब मैं क्या काम बोलने वाली हूं, क्या काम बोलने वाली हूं, काम में क्या बोलने वाली हूं, दैट इज सेशन को लाइक नहीं किया यार तुमने, फटाफट से लाइक कर लो जब तक ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म खत्म हो रहा है। बेटा बोलना पड़ रहा है जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ना हुए नहीं है। जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट से सेशन को लाइक करें, कुछ 3D बताने वाले थे आप, अच्छा आप 3D देखने के लिए आए हैं। बेटा आप YouTube पे सर्च करें वहां पर आपको 3D दिख जाएगा। आपका रियल नेम क्या है, तो सीप मेरा क्या क्या अनरियल नेम है बेटा, मैंने अपना ना निकनेम बता दिया है, मैंने अपना निकनेम बता दिया है, देखो ट्रू रिब्स, मैंने अपना इतनी मेहनत के बाद, इतनी मुशक्कत के बाद निकनेम बता दिया है। अब मैं और कौन सा निकनेम बताऊं, यस इधर आ जाइए बेटा, ट्रू रिब्स देखिए, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं, आगे से स्टर्नम से जुड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ये 7 तक ये ट्रू रिब्स है, ठीक है। देन 8th, 9th, 10th देखो, ये 8th आ तो रहा है पीछे से लेकिन आगे जाके जुड़ रहा है 7th तक ही, ये देखो 7th तक जुड़ रहा है, स्टर्नम तक नहीं पहुंचा, स्टर्नम तक नहीं पहुंचा, वैसे ही 9th
सेवेंथ के कार्टिलेज से जुड़ गया, टेंथ सेवेंथ के कार्टिलेज से जुड़ गया, स्टर्नम तक नहीं पहुंचा। और फिर फ्लोटिंग देख लो, ये पीछे से आ रहा इलेवेंथ और ये आ रहा ट्वेल्थ, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं, आगे किसी से जुड़े ही नहीं है। दीज आर फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ, दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली। अब ये रिब्स और स्टर्नम मिलकर क्या बनाते हैं, हमने ये बात कर ली थी पहले ही, रिब्स और स्टर्नम मिलकर क्या बनाते हैं, रिब केज बनाते हैं। अब रिब्स की अगर मैं बात करूं, रिब्स, ये जब रिब पीछे जाता है ना, मान लीजिए रिब है, ये देखिए पीछे पीछे जा रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम के पास, किसके पास, वर्टिब्रल कॉलम के पास। देखिए वर्टिब्रल कॉलम के पास ना, इसके पास टू पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है, एक तो यार यहां से जुड़ेगा और यहां पर भी एक छोटा सा अटैचमेंट होता है, यस देयर इज अ स्मॉल अटैचमेंट ओवर हियर, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के पास देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स, पीछे दो जगह पर जुड़ते हैं, एक ही कुंडी नहीं है, दो कुंडियां हैं यहां पर, इसीलिए हम रिब्स को बोलते हैं बाइसिफेलिक रिब्स। क्या बोलते हैं, बाइसिफेलिक रिब्स, याद रखोगे, क्या बोलोगे, बाइसिफेलिक, क्योंकि पीछे की साइड पर दो कुंडियां, जैसे दरवाजे की कुंडी नहीं होती, अगर तुम एक की जगह दो कुंडी लगा दो तो वहां पर पीछे दो कुंडी से अटकता है, इसीलिए इसको बोलेंगे बाइसिफेलिक रिब्स, ठीक है। तो ये बात हो गई रिब्स की। अब आ जाइए अपेंडिकुलर स्केलेटन पे, अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेटा लिम्स आ जाएंगे आपके और गर्डल्स आ जाएंगे, हर लिम में कितनी बोन है, आपकी बाजुओं में भी 30-30, नीचे भी क्या है 30-30। जरा फोर लिम के बारे में बात करते हैं, ये ह्यूमरस 1, रेडियस ये अंगूठे की साइड पे 1, अल्ना 1, तीन हो गए, देन यहां पर कार्पल रिस्ट में जहां पर घड़ी पहनते हो 8 बोन्स है, देन ये मेटाकार्पल 1, 2, 3, 4, 5, ये जहां पाम है ये मेटाकार्पल 5 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, फिर उंगलियां ये देखो यहां पर 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, कितनी हो गई आपके, दो यहां पर, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, इनको बोलते हैं फैलेंजेस, ये जो उंगलियों की बोन्स होते हैं इनको बोलते हैं फैलेंजेस, टोटल हो जाती है 14, ठीक है। तो ह्यूमरस 1 है, रेडियस 1 है, अल्ना 1 है, कार्पल 8 है, मेटाकार्पल पाम की बोन्स 5 है, फैलेंजेस कितनी है 14, 14 में भी जो फॉर्मूला है 2, 3, 3, 3, ठीक है, इन सबका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्या हो गया, वॉइस नहीं आ रही, क्या हो गया, ओके हिल रहा था, अब ठीक है, कल ना मैं वायरलेस माइक लगाऊंगी एंड देन आप मुझे बताइएगा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब ठीक है, यस। तो यहां पे देख लीजिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, 1, 1, 1, 8, 5 एंड 14, टोटल विल कम आउट टू बी 30, टोटल विल कम आउट टू बी 30, ओके। चलिए अब बात करते हैं बेटा हाइंड लिम की, लेग्स के बारे में, लेग के बारे में देखोगे तो इधर देख लो, ये देख लीजिए, लेग में शुरू करते हैं आपके थाई से, थाई पे द लॉन्गेस्ट बोन इज देयर विच इज कॉल्ड एज फीमर, एक होती है। फिर बेटा लेग में हाथ से अलग क्या है, हाथ में बेटा एल्बो के ऊपर कोई बोन नहीं है, लेग में आपके नी के ऊपर बोन है जिसका नाम है पटेला, क्या है पटेला, इट्स अ कप शेप बोन जो कि वेंट्रली आगे की साइड होती है ना, वेंट्रल डोर्सल पीछे, वेंट्रली नी के ऊपर अटैच्ड है, एंड पटेला इज अ टाइप ऑफ सेसमोइड बोन, वो होती है जो कि बनती है वाया ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, कैसे बनती है वाया ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन। क्या कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो सेसमोइड बोन की, सेसमोइड बोन की दूसरी एग्जाम्पल पिसी फॉर्म होती है, कार्पल में एक बोन होती है पिसी फॉर्म, वो भी एक सेसमोइड बोन की ही एग्जाम्पल है, क्या है ये सेसमोइड बोन है। नेक्स्ट बेटा आपकी काफ रीजन में, क्या क्या है, टिबिया और फिबुला, फिर बेटा टार्सल, ये टिबिया एक है फिबुला एक है, टार्सल कितनी है 7, मेटाटार्सल कितनी है 5, और फैलेंजेस यहां पर भी कितनी है 14, प्लस कर लो, ये नवीन सिंह को बड़ी जल्दी मच रही है बेटा, नोट्स नहीं भेजूंगी, हैं अभी भेज दो बेटा, तुम पढ़ने नहीं आते हो तो बस ये नोट्स के लिए आते हो, तो नोट्स ले लेना ना, शाम को आएंगे नोट्स, आप शाम को ले लीजिएगा, ठीक है आप शाम को ले लीजिए। तो यहां पर बेटा अंतर क्या हुआ आपके फोर लिम और हाइंड लिम में, अंतर ये है कि यहां पर एल्बो के ऊपर कोई बोन नहीं है और कार्पल में 8 है, यहां पर क्या है सीन, यहां पर बेटा नी के ऊपर बोन है और टार्सल्स कितने हैं 7, तो यहां बैलेंस हो गया ना, तभी बेटा यहां पर भी 30 आ रहा है टोटल और वहां पर भी कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो ये हो गए आपके हाइंड लिम्स। नेक्स्ट आता है बेटा आपने गर्डल्स,
नेक्स्ट क्या आ जाते हैं गर्डल्स, ये देखिए ये रहे पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल शोल्डर गर्डल को बोलते हैं, पेल्विक हिप वाले को बोलते हैं। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ लोअर लिम्ब विद द एक्सियल स्केलेटन। आपके एक्सियल स्केलेटन ये सेंटर से लिम्ब्स को कौन जोड़ता है, ये गर्डल ही तो जोड़ते हैं। सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल देख लीजिए यार, दो बोन्स है, आगे की साइड पे कॉलर ब्यूटी बोन दैट इज क्लेविकल और पीछे की साइड पे ट्रायंगुलर बोन जिसका नाम है स्कैपुला। तो जो लोग बड़ा जिम विम करते हैं लड़के लोग, उनका ये पीछे से बाहर निकल के आता है ना, यहाँ पर दो निकल के आते हैं। व्हाट आर दोज, दोज आर द ट्रायंगुलर बोन्स जिसका नाम है स्कैपुला। क्या नाम है बेटा इसका, स्कैपुला। सो स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, कहाँ है पीछे की साइड पे डॉर्सली, कहाँ पर बिटवीन T2 एंड T7, बिटवीन T2 एंड T7, ओके जी, T2 और T7 के बीच में है, याद रहेगा, ओके। अगर मैं एक स्कैपुला बनाकर दिखाऊं, यहां बना देते हैं यार, कई बार इस पे सवाल आ जाता है, ये ट्रायंगुलर बोन है ठीक है, इस तरीके से यस, इसके पास ये एक्रोमिन प्रोसेस होता है, एक्रोमिन प्रोसेस होता है जो कि किससे जुड़ता है, आर्टिकुलेट विद क्लाविकल, आर्टिकुलेट विद क्लाविकल, क्लाविकल आगे फ्रंट वाली कॉलर बोन है ठीक है। और इसके पास देख रहे हो ये यहां पर एक डिप्रेशन सा है, ये क्या है, ये ग्लेनॉइड कैविटी है, दिस इज ग्लेनॉइड कैविटी, ये दिस इज ग्लेनॉइड कैविटी, ये किससे जुड़ती है, ह्यूमरस से, आर्टिकुलेट्स विद, आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ ह्यूमरस, विद हेड ऑफ ह्यूमरस, T2 to T7 याद रखना है, टी और सेकेंड रिब और सेवेंथ रिब के बीच में है, सेकेंड रिब, मैंने रिब लिखा टी लिख दिया, ओहो रुक जाओ रिब लिखना है, मैंने रिब लिखा टी लिखा, सेकेंड रिब और सेवेंथ रिब के बीच में है ठीक है, R2 और R7 लिखना चाहिए था, सेकंड और सेवंथ रिब, यानी कि ट्रू रिब्स जो हैं वहां बीच में आती है, आपको यहां पे देखने को ही मिलेगा, देखने को ही मिलेगा ठीक है। ये फर्स्ट रिब है, सेकंड और सेवंथ के बीच में है, इस तरीके से, ओके ये याद रखना है डिटेल। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपके पास, ये देखिए मैंने ग्लेनॉइड कैविटी भी दिखाया, ग्लेनॉइड कैविटी से ह्यूमरस से जुड़ता है, एंड देन बेटा यहां पर ह्यूमरस का हेड और ये मिलके जॉइंट बनाते हैं, यहां पर इसको शोल्डर जॉइंट बोलते हैं, शोल्डर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कैसा है बॉल एंड सॉकेट, अभी मैं सारे जॉइंट्स दिखाती हूं। हाँ जी, ईच क्लेविकल, अब क्लेविकल क्या है, ये कॉलर बोन आगे वाली, ये देख रहे हो खोपड़ी में, क्लेविकल लॉन्ग स्लेंडर बोन है, दो कर्वेचर है, ऐसे एस शेप बोन होती है, क्या होती है एस शेप, तो दो कर्वेचर हो गए ना, एक ये कर्वेचर है और एक ये कर्वेचर है, दो कर्वेचर हो गए। आगे की साइड पे किससे जुड़ रही है, स्टर्नम से, यहां साइड पे किससे जुड़ रही है आपके स्कैपुला से, ओके ये रही कॉलर बोन, ये बंदे की दिख रही है, आप सब भी अपनी कॉलर बोन को टच करके देख सकते हैं, इसी का नाम है क्लाविकल, क्या नाम है क्लाविकल, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको, है ना, क्योंकि जो हीरोइनें होती हैं उनकी बड़ी क्रिस्प होती है, ब्यूटीफुल बनाती है। नेक्स्ट है हिप गर्डल, ये हिप गर्डल वो है जो एक्सियल स्केलेटन को आपके फोर हाइंड लिम्ब से जोड़ता है, हिप गर्डल बेसिकली टू हिप बोन से जुड़ता है और इन हिप बोन्स को हम बोलते हैं कॉक्सा बोन। नाउ ईच हिप बोन, ईच कॉक्सा इज मेड अप ऑफ थ्री बोन्स ठीक है, जिसमें आ जाएगा ईलियम, ILIUM वाला, ईयूएम वाला तो इंटेस्टाइन में है, एसटीएम एंड प्यूबिस, इलियम इस्टियम प्यूबिस ठीक है, ये देखो इलियम इस्टियम प्यूबिस, इधर वाली साइड भी क्या होगा इलियम इस्टियम प्यूबिस, इन दोनों को जोड़ने वाला बीच में जॉइंट है, देखो एक कॉक्सा ये हो गई, एक कॉक्सा ये हो गई, दोनों कॉक्सल बोन बीच में कार्टिलेजनस जॉइंट से जुड़ी हुई है और इस जॉइंट का नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस यस, ये क्या है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस, देख रहे हो प्यूबिक सिम्फाइसिस, कैन यू सी, हां जी, इसको कॉक्सा और इनोमिनेट भी बोला जाता है, ये देखो इलियम इस्टियम प्यूबिस, ILIUM इस्टियम एंड प्यूबिस, दैट इज इनोमिनेट, ओके चलिए। टू पेल्विक गर्डल हाफ्स मींस वेंट्रली एट द प्यूबिक सिम्फाइसिस। मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से सवाल आता है, दैट इज जॉइंट्स। तीन तरीके के जॉइंट्स है बेटा जो दो बोन्स को जोड़ते हैं, कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कुछ जॉइंट होते हैं बेटा कार्टिलेज के जॉइंट्स, दैट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और कुछ जॉइंट्स क्या होते हैं आपके
साइनोवियल जॉइंट जो कि फ्रीली मूवेबल है, देखो फ्रीली मूवेबल, ये भी फ्रीली मूवेबल, ये भी फ्रीली मूवेबल, ये भी फ्रीली मूवेबल, ठीक है। तो जॉइंट्स क्या है? कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स, है ना, बोन्स के बीच का कॉन्टैक्ट क्या बनाते हैं? जॉइंट्स। जॉइंट्स के लिए जो स्टडी आती है उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो वर्ड इज रिलेटेड टू जॉइंट, जैसे आर्थराइटिस, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है ना, गठिया हो जाता है। सो जॉइंट इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स एंड बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। हर टाइप की मूवमेंट बॉडी में कहा गया, हर टाइप की मूवमेंट बॉडी में किसकी मदद से होती है? जॉइंट्स की मदद से होती है। तीन मेजर जॉइंट्स है, ये जो है पहला फाइबरस जॉइंट। फाइबरस जॉइंट इज गोइंग टू बी इमूवेबल जॉइंट्स, ये मूव नहीं करता है, फाइबर है ना, फाइबर, कोलेजन फाइबर है जो कि इसको मूव नहीं करने देगा। देन बेटा कार्टिलेजनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा बहुत मूवेबल है, जैसे आपका पीछे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस, स्लाइटली मूवेबल, ठीक है। साइनोवियल इज फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, ठीक है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ओके, फर्स्ट वन आ जाता है आपका फाइबरस जॉइंट, जो कि बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है क्योंकि उसमें कोलेजन फाइबर्स हैं। एग्जांपल इज गोइंग टू बी सूचर्स, आपने अपनी खोपड़ी के बीच में जिगजैग जिगजैग लाइन देखी है ना, वो किसका एग्जांपल है? आपके फाइबरस जॉइंट का, इमूवेबल जॉइंट्स का। डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। और किसका एग्जांपल है? इसका एक और एग्जांपल है गॉम्फोसिस। गॉम्फोसिस, गॉम्फोसिस क्या होता है? जहां पर ये आपका दांत, आपका दांत बेटा, ये जॉ बोन से अटैच्ड है, ये जॉ से अटैच्ड है, आपका दांत भी तो हिलता नहीं है, कितना स्ट्रॉन्ग इमूवेबल जॉइंट है, ऐसे दांत लटके थोड़ा हुए हैं, है ना, मूव नहीं कर रहे, तो ये भी एक तरीके का फाइबरस जॉइंट है, जब दांत जॉ बोन से अटैच्ड है क्योंकि बीच में फाइबर्स उसको रोक के रखे हैं, ठीक है। सो ये बात हो गई आपके फाइबरस जॉइंट की। नेक्स्ट आ जाइए बेटा कार्टिलेजनस जॉइंट, कहां गया ये रहे, कार्टिलेजनस जॉइंट बेटा स्लाइटली मूवेबल है। एग्जाम्पल की मैं बात कर लेती हूँ, एग्जाम्पल की बात कर लेती हूँ, दैट इज गोइंग टू बी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रा के बीच में, तभी तो बेटा मूवमेंट कर पा रहे हो, देख रहे हो, बैठ पा रहे हो, खड़े हो पा रहे हो, नीचे फ्लेक्सिबल हो पा रहे हो, ओनली बिकॉज ऑफ दिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इसके क्या एग्जाम्पल है? इसके एग्जाम्पल है बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये भी स्लाइटली मूवेबल है। एंड जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट्स है वो भी क्या है आपके? कार्टिलेजनस जॉइंट्स ही है। ओके, यस, लिमिटेड मूवमेंट परमिट करते हैं। देन आपका आ जाता है लास्ट वाला साइनोवियल, जिसमें फ्लूइड फिल्ड, वो कहते हैं कि मेरे घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, बोलती है ना आपकी दादी या नानी कि मेरे घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, घुटने चर चर करते हैं, वो किस वजह से? क्योंकि उनका साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, जिसकी वजह से दो बोन्स आपस में टकराती हैं, जिससे आवाज आती है। सो यही है वो साइनोवियल जॉइंट, जो कि लोकोमोशन में मदद करता है, ठीक है। एग्जाम्पल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इसके एग्जाम्पल। पहला ये शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, दैट इज बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। एक और लिख रही हूँ, फीमर एंड पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल, ये आपका हो गया बॉल एंड सॉकेट, हिप एंड शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट इज हिंज, हिंज जैसे दरवाजे का हिंज होता है ना, एक ही साइड में दरवाजा खुलता है, ये देखो एक ही साइड में खुल रहा है, ऐसे तो यानी पीछे चली जा रही है ये, यानी कि नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट कौन से हैं? हिंज जॉइंट है, याद कर लो अभी के अभी। देन पिवट, पिवट सिखा दिया मैंने तुम्हें, ये पिवट है एटलस एंड एक्सिस, दूसरा बेटा रेडियस और अल्ना के बीच में भी पिवट है, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, ये हमने भी मॉक टेस्ट में सीखा था, एटलस इज C1, एक्सिस इज C2। ग्लाइडिंग किसके बीच में? कार्पल के बीच में कौन सा है? ग्लाइडिंग। देन सैडल, सैडल इज बिटवीन कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब, कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब, याद करिए अभी याद कर लो। तो ये आपके साइनोवियल जॉइंट हो गए, साइनोवियल जॉइंट हो गए, इस तरीके से होता है बेटा। ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई, ये बेटा इनका आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, और एक साइनोवियल ऐसे मेम्ब्रेन होती है, और इसके बीच में यहां पर पूरा साइनोवियल फ्लूइड होता है, दिस इज ऑल साइनोवियल फ्लूइड, जिसकी वजह से प्रॉपर फ्रीली मूवमेंट हो पाती है, ठीक है। यस ऑफ कोर्स, कार्पल्स के बीच में भी आपका ग्लाइडिंग जॉइंट होगा, टार्सल्स के बीच में भी ग्लाइडिंग है, यहां पे लिख लो टार्सल्स, ठीक है, टार्सल्स के बीच में भी ग्लाइडिंग जॉइंट है, ठीक। चलिए आखिरी टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। आ जाओ, सबसे पहला डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसका नाम है मायस्थेनिया ग्रेविस। ये कहता है कि जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, यहां पे ध्यान दो, नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, ये न्यूरॉन है, ये मसल है, न्यूरॉन है और ये क्या है, मसल है।
न्यूरॉन से क्या आया, न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन आए और मसल के ऊपर अपने रिसेप्टर से जाके जुड़ेंगे और मसल को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस क्या हो रहा है कि जो रिसेप्टर्स हैं एसिटाइल कोलिन के वही गायब हैं। अगर रिसेप्टर नहीं है तो एसिटाइल कोलिन बेचारा किससे जुड़ेगा, एसिटाइल कोलिन किससे जुड़ेगा नहीं, अगर जुड़ेगा नहीं तो ये मसल एक्टिवेट नहीं होंगी। नो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है। नो एसिटाइल कोलिन से मेरा मतलब है कि रिसेप्टर है, ये देखो, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, राइट, ये देखिए, ये आपका न्यूरॉन है और ये आपका मसल है, ये आपका मान लीजिए मसल है, यहां जंक्शन बन रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन से क्या निकलना है, न्यूरॉन से निकलना है एसिटाइल कोलिन, न्यूरॉन से क्या निकलना है ACH, ACH के रिसेप्टर यहां प्रेजेंट है। अगर तो यार ACH अपने रिसेप्टर से जुड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर ACH के रिसेप्टर पर जाके पता कौन बैठ जाता है, आपकी बॉडी के द्वारा बनाई गई ऑटो एंटीबॉडीज, रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं, ACH रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड, ACH रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं और पता है किससे जुड़ जाते हैं, क्यों ब्लॉक हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यून है ना, ऑटो एंटीबॉडी। तो भैया अगर ये ब्लॉक हो गए तो ACH किससे जुड़ेगा, ACH को जुड़ने के लिए जगह नहीं बची, यानी कि मसल जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। अगर मसल एक्टिवेट नहीं हो पाएगी तो यार थकान होगी, वीकनिंग होगी और पैरालिसिस हो जाएगा। दिस इज मायस्थेनिया ग्रेविस। ओके, नेक्स्ट है MD। MD इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। आपको पता है कौन सा डिसऑर्डर है, MD इज बेसिकली ड्यू टू डिफेक्ट इन डिस्ट्रोफिन जीन। कौन सा जीन है डिस्ट्रोफिन? दो तरीके की MD होती है टाइप्स। अगर मैं बात करूं बिल्कुल सीवियर टाइप की, दैट इज ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और अगर बात करें थोड़ी सी माइल्ड टाइप की, दैट इज बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD एंड BMD, ठीक है। आप पानी पी लो यार, बड़ी टेंशन हो रही है। नेक्स्ट आता है टेटनी। टेटनी क्या होता है? रैपिड स्पाज्म इन द मसल। स्पाज्म का मतलब होता है अचानक से कॉन्ट्रैक्शन हो जाना। जैसे क्लासिकल डांस देखा आपने, क्लासिकल डांस में ऐसे ऐसे या दूसरे तरह मुद्राएं बन जाती हैं। अब अगर तो मुद्रा तुम खुद बना रहे हो अलग बात है, लेकिन खुद से अगर मुद्रा बन जाए ऐसे या ऐसे, दिस इज टेटनी, दैट इज रैपिड स्पाजम्स, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन अपने आप हो जाए और फिर आपका हाथ ना ठीक भी नहीं हो पाता, आप इसको कोशिश करते रहो, हो ही नहीं पाएगा ठीक, राइट, ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। अब लो कैल्शियम लेवल से होता क्या है? लो कैल्शियम बेटा एक्चुअली इंक्रीजेस द सोडियम लेवल। अगर सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो यार मसल डीपोलराइज हो जाएगी तुम्हारी चॉइस के बिना। मसल डीपोलराइज हो गई तो यार अनवॉलंटरी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे। दिस इज टेटनी। नेक्स्ट आता है ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। क्या है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स? तीन तरीके का होता है यार। देन आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस दिस इज एज रिलेटेड। एज रिलेटेड उम्र के साथ बेटा आर्टिकुलर कार्टिलेज वीक होता जाता है और उनके जॉइंट्स इन्फ्लेम हो जाते हैं। अगला आता है ऑटो इम्यून, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस दिस इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून आपका बॉडी की इम्यूनिटी ही ये काम कराती है। तीसरा आता है गाउटी ऑर्थराइटिस। गाउटी वाला कल बताया था, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। हो गए ना तीन टाइप के? यस, ऑस्टियो, एज रिलेटेड, रूमेटॉइड, ऑटो आपकी ऑटो इम्यूनिटी एंड गाउटी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। ओके, लास्ट आता है आपकी बोन्स का भुर जाना, क्योंकि बोन्स में कैल्शियम की कमी से पोरोसिटी हो जाती, पोरस हो जाती है बोन्स। ये भी एज रिलेटेड है, जिसकी वजह से बोन में जो मास है यानी कि कैल्शियम है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन्स में बीच में पोर्स आ जाएंगे, छेद हो जाएंगे, खोखलापन आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। अब यार ऑस्टियोपोरोसिस का फीमेल में बड़ा रिलेशन है, फीमेल मेनोपॉज से बहुत रिलेशन है। देखो जब तक तो फीमेल का मेनोपॉज नहीं आया तब तक एस्ट्रोजन का लेवल क्या है? हाई है फीमेल की बॉडी में। ये यार एंटागोनिस्टिक है PTH के। एस्ट्रोजन क्या होता है? एंटागोनिस्टिक होता है PTH से। PTH बेटा बोन को पोरस बनाता है। तो जब तक तो यार मेनोपॉज नहीं आया तब तक PTH काम नहीं करेगा, लेकिन आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यार PTH खुला घूमेगा, PTH will start acting, जिसकी वजह से बेटा फीमेल में
मेनोपॉज के बाद ये बोन्स के भरने की ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है, समझे? यस, सो ऑस्टियोपोरोसिस होती है व्हेन डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, यानी कि मेनोपॉज की बात हो रही है. ओके हाँ जी, ये देखो नॉर्मल बोन है और ये आपकी ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है. गाउट मैंने बता दिया, गाउटी आर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड की वजह से. ये देखो स्वोलन इन्फ्लेम जॉइंट है, यूरिक एसिड क्रिस्टल इसमें प्रेजेंट है. पैर देख रहे हो? यस, सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज चैप्टर. एक बात बेटा और करनी है, क्या आपने आज की क्लास में एनरोल कर लिया? पेडिग्री की क्लास है, कल वाली तुमने क्लास मिस कर दी, नोट्स तुमने टेलीग्राम पे देख ही लिए, कितने बढ़िया टाइप के क्वेश्चंस किए थे हमने जेनेटिक्स के, ये हमने कल कर लिया था. आज हम क्या करने वाले? पेडिग्री करने वाले हैं. अगर तुमने अटेंड नहीं की तो इसकी ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ, वो भी तुम्हारी मिस हो जाएंगी. लिंक पिन किया हुआ है चैट बॉक्स में, मेक श्योर यू आर एनरोलिंग इन दैट. एनरोल कर लीजिए यार, अगर एनरोल नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी. एनरोल कर लीजिए फटाफट से, ठीक है? और बेटा सेशन अच्छा लगता है ना तो उसको लाइक भी कर दिया करो, उसको लाइक भी कर दिया करो. ओके ओके, तो अपन को क्या करना है, ये लेके जाना है. ये देख लीजिए बेटा, जैसा कि मैंने बेटा आपको बताया कि मेरी क्लास है शाम को 5 बजे. दिस इज पार्ट ऑफ संकल्प महोत्सव ओनली, ये बेटा संकल्प महोत्सव का ही पार्ट है. बाकी बेटा मेरा बैच लॉन्च हो चुका है, आप जानते हैं कौन सा बैच है? विश्वास बैच है. किसके लिए? 2024 के लिए. फटाफट से जो बच्चे अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अभी से एनरोल कर लें, अभी प्राइसेस बहुत कम है. 15,000 रुपए का ही बैच है, इस पे भी 10% ऑफ है बाय यूजिंग द कोड सीप लाइव. क्या कोड यूज करना है? सीप लाइव. मेरी सारी टीम और मेरी पूरी मेंटोरशिप बेटा आपको इसमें रहेगी. और बेटा मेरे पास दूसरा बैच है, आरंभ बैच. कहाँ लिखूं मैं, यहीं लिख दूं आरंभ, ये रहा आरंभ बैच. आरंभ बैच भी किसके लिए है? नीट 2025 के लिए, यानी कि अभी जो बच्चे क्लास 11th में आए हैं. वो बैच कितने का है? 19999, अराउंड 20,000. वो 15,000 या 20,000, जिसमें आपको मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीजें रहेंगी. तो इस बैच में एनरोल करने के लिए कोड क्या लगाएंगे? सीप लाइव लगाएंगे, ताकि आपको मेरी गाइडेंस पूरे के पूरे 2 साल मिले, पूरे के पूरे 2 साल मिले, ठीक है जी? 150,000 का नहीं है बेटा, 15,000 एंड 20,000 का है, राइट? चलिए, और हर संडे बेटा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है. मेक श्योर कि आप अपियर हो रहे हो, ये फ्री है, बस इसमें कोड लगाना रहता है और आपको पता क्या कोड है मैम का, बस, राइट? चलिए, तो यार अब मैं आपको डीपीपी, ये यूसेन बोल्ट भी भेज दूं क्या? डीपीपी और ये अपने माइक्रो नोट्स और ये अपने हैंड रिटन नोट्स में भेज दूंगी टेलीग्राम पे. हम मिलेंगे शाम को 5 बजे विद पेडिग्री एनालिसिस. लिंक इज पिंड ओवर हियर, मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ इट, ठीक है? चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी ट्यूजडे. कल न्यूरल करना है, कल 12 बजे आके बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है, दैट इज न्यूरल. ओके, समझ आया तो यार एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना. तुम लोग कमेंट नहीं करते यार, प्रॉमिस करो जितने बच्चे भी देख रहे हैं सबके सब कमेंट करके जाएंगे कि कैसा लगा, आर यू लाइकिंग इट और नॉट. मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग. कमेंट ओपन हो जाएंगे जैसे ही सेशन बंद होगा, ठीक है? चलो बाय.